हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 34 का क्वेश्चंस और उसके आंसर और सॉल्यूशन। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल्स सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको बाद में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस टेस्ट का और पिछले और अगले सारे टेस्ट का आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं उसके लिए। तो वो स्टार्ट करते हैं, पहले हम बायो से, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, देन हम फिजिक्स पे आएंगे। तो बायो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सायोन इज ग्राफ्टेड टू अ स्टॉक, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड विल बी डिटरमाइंड बाय द जीनो टाइप ऑफ। आंसर है बी, सायोन। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द मेन रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक एंड द बड ऑफ अ स्टेम ग्राफ्टेड इज कॉल्ड सायोन। फ्लावर्स एंड दस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सायोन, दस द जीरो टाइप ऑफ फ्रूट इज डिटरमाइंड बाई सायोन। क्वेश्चन नंबर टू, मेल कॉन्डोम्स आर मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाई मेल्स वर्ल्ड वाइड, दीज आर यूजली मेड अप ऑफ। एंसर है बी, लेटेक्स और रबर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कॉन्डोम्स आर मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट दैट कवर्स द पेनिस इन द मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द सीमेन मे नॉट बी इजैकुलेटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। निरोध इज वन ऑफ द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल, बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, देयर बाई गिविंग प्राइवेसी टू द यूजर, एडिशनल बेनिफिट प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज लाइक एड्स। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है मोनोकोटिलेडोनस स्टेम हैज, आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, मतलब कि स्क्रीन काइमेटस हाइपोडर्मिस और स्कैटर्ड कॉन ज्वाइंट एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इन मोनोकोट स्टेम द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ टू थ्री लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड डेड स्क्रीन काइमेटस सेल्स एंड वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड कॉन ज्वाइंट एंड क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ बैक्टेरियोफेज 5174 एंड लैम्डा इज, आंसर है ए, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स एंड 4850 बेस पेयर्स। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिफर्ड टू एज बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट, दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टेरियोफेज नोन एज 5174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, बैक्टेरियोफेज लैम्डा हैज 4850 बेस पेयर्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, थ्री ऑफ देम आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड म्यूटेशन, रेस्ट टू आर क्या होगा। तो आंसर है सी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द फाइव फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आर ए है जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, सी म्यूटेशन, डी जेनेटिक रिकम्बिनेशन और ई जो है वो नेचुरल सिलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्पोरोफिल्स फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, आंसर सी, स्ट्रोबिली कौन सा होगा, यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरांजिया दैट आर सस्टेंडेड बाई लीफ लाइक अपेंडेजेज कॉल्ड स्पोरोफिल्स, इन सम केसेज स्पोरोफिल्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबेली और कोन्स स्पेशली इन सेलाजिनेला इक्यूसेटम, द स्पोरांजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाई मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू द इनकन्स्पियस स्मॉल बट मल्टी सिल्वर प्रोथैलस। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके हम यहाँ पे रेटिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे जो पी है वो डार्विन्स फिंचेज है, क्यू है ऑस्ट्रेलियन प्लासेंटल्स और आर जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो रीड करते हैं, डार्विन्स फिंचेज रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन प्लासेंटल्स, अ नंबर ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवॉल्व फ्रॉम द एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन इनलैंड कंटिनेंट, वेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर इन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स, वन कैन कॉल दिस, सॉरी आंसर यहाँ पे जो आर है वो क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, ठीक है।
एक बार फिर से रीड यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दो जगह, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्यू क्यू दो जगह, तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटस वहाँ भी होगा, लास्ट में जो है वो आर है वहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। एक बार देख लेते हैं सर एक्सप्लेनेशन, द इवोल्यूशन ऑफ डार्विन्स फिंचेज ऑन द गैलापागोस आइलैंड इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज फॉर्मेशन एंड इलस्ट्रेट्स से नाउ एडेप्ट हाउ एडेप्टेशन टू लोकल कंडीशन प्रोड्यूसेस द डाइवर्जेंस दैट इज द हार्ट ऑफ स्पीसीज फॉर्मेशन दैट इज सच एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस गिविंग राइज टू न्यू स्पीसीज अडेप्टेड टू न्यू हैबिटेट्स एंड वेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फर्दर मोर ऑस्ट्रेलिया इज द होम टू द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ पाउच्ड मैमल्स मार्सुपियल्स बट रिलेटिवली फ्यू प्लासेंटल मैमल्स। डार्विन एक्सप्लेन दैट अडेप्टिव रेडिएशन गेव राइज टू अ वेराइटी ऑफ मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया इन द सेम प्रोसेस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन एज फाउंड इन द फिंचेज इन द गैलापागोस आइलैंड। द इवोल्यूशनरी प्रोसेस गिविंग राइज टू न्यू स्पीसीज अडेप्टेड टू न्यू हैबिटेट्स एंड वेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। द नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर हैव इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट। दिस इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिकॉज मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अकर्ड इन द आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन नंबर 8, टीयर्स फ्रॉम आइज एंड इंटरफेरोंस आर इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स। आंसर हमारा सी होगा, फिजियोलॉजिकल एंड साइटोकाइन बैरियर होते हैं। यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन, इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ बैरियर, फर्स्ट फिजिकल, सेकेंड फिजियोलॉजिकल, थर्ड सेलुलर बैरियर, ओके एंड फोर्थ साइटोकाइन बैरियर। ये एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स है, तो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, तो हमारा यहाँ पे आंसर सी है, तो रीड कर लेते हैं। ए का जो है हमारा 2 है, मतलब कि सालमोनेला टाइफी जो है वो सस्टेन हाई फीवर 39 to 40 degree वीकनेस स्टोमेक पेन कंस्टिपेशन हेडक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। बी जो है सेकेंड है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो होगा, सॉरी यहाँ पे ए का जो होगा थर्ड होगा, सालमोनेला टाइफी का जो होगा थर्ड होगा, फीवर चिल्स कफ एंड हेडक। बी का सेकेंड होगा, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का होगा सेकेंड, सस्टेंड हाई फीवर वीकनेस स्टोमक पेन कंस्टिपेशन हेडक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा। यहाँ फीवर का जो रेंज है 39 to 40 degree Celsius, ये जरूर याद रखेंगे, इसमें भी आपको फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करके देगा तो वहाँ वहाँ गलत हो जाएगा। सी का हमारे यहाँ 4 है, यानी कि राइनो वायरस का जो है वो होगा 4 कंस्टिपेशन। सी का एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, फिर से हम रीड करते हैं। ए का सेकेंड जो हमने पहले बोला था वो सही है, बी का जो हमारा थर्ड है वो भी, बी का हमारा थर्ड था यानी कि फीवर चील्स कफ एंड हेडक, और सी का जो है 1 है एंड राइनो वायरस का 1 होता है, यानी कि नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज शो थ्रोट होर्नस कफ हेडक टायर्डनेस विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। और जो हमारा डी का जो है 4 होगा, यानी एंड टाइम वाइवा हिस्टोलिका में होता है क्या, कंस्टिपेशन एबडोमिनल पेन क्रैम्स स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन एक तरह से था, तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अरेंज द मेन स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सिक्वेंशली, तो हम स्टेप बाई स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट में जो होगा 5 होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट, थर्ड, देन 4। तो 5 कह रहा है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सेकेंड मतलब कि इवेलुएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, उसके बाद फर्स्ट यानी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, उसके बाद थर्ड मतलब सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर का रिकॉम्बिनेंट्स, उसके बाद 4 मतलब कि टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इज द इंटायर कलेक्शन ऑफ सीड्स और जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट। सक्सेसन ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द जर्म प्लांट पॉपुलेशन। पेरेंट्स आर इवेल्युएटेड एंड सिलेक्टेड फॉलोड बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, देन टेस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। दिस इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द न्यू कल्टीवार इन फार्मर्स फील्ड फॉर 3 सक्सेसिव ग्रोइंग सीजन।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, लैब आर, आंसर होगा बी डी, बोथ ए एंड बी, मतलब कि हेल्दी माइक्रोबायोटा और इनहिबिट फूड स्पॉयलेज। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच कॉजेज कर्लिंग ऑफ मिल्क, इट इंक्लूड्स हेल्दी गट माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, दीज आर द ग्राम पॉजिटिव फर्मेंटिव बैक्टीरिया दैट कंट्रीब्यूट टू द टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, दीज बैक्टीरिया इनहिबिट द फूड स्पॉयलिंग बैक्टीरिया बाई प्रोड्यूसिंग ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस विथ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, आंसर ए होगा फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। देख लेते एक्सप्लेनेशन, डीएनए लाइगेज कॉमनली कॉल्ड एज जेनेटिक गम इज यूज्ड टू ज्वाइन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन 3-OH एंड 5-फॉस्फेट, स्टिकी एंड स्टैगर्ड एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर होगा बी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल्स कैरिंग डिजायर्ड जीन्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बीटी इज अ बीटी कॉटन स्टैंड्स फॉर बैचलर्स थ्रोजेंसिस एंड इज अ पेस्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट, द ट्रांसजेनिक ब्रैसिका नेपस सीड्स आर अ सोर्स ऑफ हिरुडीन विच इज यूज एज एन एंटी ब्लड कोगुलेटिंग सब्सटांस, फ्लेवर सेवर टोमेटो इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट इन विच द सेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो इज इंक्रीज बाई इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट राइपनिंग हॉर्मोन पॉली गैलेक्टो यूरोनेज यूजिंग द एम आर एन ए साइलेंसिंग टेक्निक। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ कल फ्यूजन टेक्निक, कल्चर सेल फ्यूजन टेक्निक होगा, इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल्स कैरिंग डिजायर्ड जीन्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, फाइंड द रॉन्ग मैच, आंसर हमारा सी है स्टेनो हेलाइन जो होता है वो टॉलरेट्स वाइड रेंज ऑफ सनडे, नहीं वो होता है स्मॉल रेंज, और ए बी डी जो है वो सही है। देख लेते हैं क्या क्या है, इंडोथर्म जो होता है वार्म ब्लडेड और होम्योथर्म्स वो सही है, एक्टोडर्म कोल्ड ब्लडेड और वाइकिलोथर्म्स बिल्कुल सही, यूरोहेलाइन जो है टॉलरेट्स वाइड रेंज ऑफ सनडे बिल्कुल सही है, इसमें ज़्यादा देने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ जर्म प्लाज कंजर्वेशन, आंसर है बी सीड बैंक जो है वो बेस्ट मेथड है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जर्म प्लाज कंजर्वेशन इज द स्टोरेज ऑफ सीड जीन और सेल्स एंड इट इज स्टोर्ड इन सीड बैंक्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स रिमेन्स फॉर हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हिन्स द बेस्ट मेथड अंडर एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज इज द सीड बैंक मेथड विथ विच द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी और रेयर और इम्पेरिल्ड प्लांट स्पीसीज कैन बी अवॉइडेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे, द इन्फेक्शस एजेंट दैट इज स्मॉलर टू वायरसेज एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज, आंसर होगा डी वायरवाइड। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, वायरवाइड्स आर स्मॉलेस्ट पैथोजन एंड कॉज्ड डिजीज ओनली इन प्लांट्स, वायरवाइड्स आर नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कैप्सिड, दे आर मेड अप ऑफ 249 टू 339 न्यूक्लियोटाइड्स ओनली डिस्कवर्ड बाय टी ओ डायनियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमारा आंसर जो सी है हिस्टोसिस्ट आर फाउंड इन एक्टिनोमाइसिट गलत है, बाकी ए बी डी जो है सही है। देख लेते क्या क्या है, साइट्रस कैंकर इज कॉज ऑफ बैक्टीरियम बिल्कुल सही, द यील्ड ऑफ पैडी कैन बी इंक्रीज बाय द यूज ऑफ एजोला बिल्कुल सही, और वायरस डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही है। देख लेते एक्सप्लेनेशन, हेट्रोसिस्ट्स आर स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया लाइक नोस्टोक एंड एनाबेना, वायरसेज आर कंटेनिंग कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड दे लैक दियर इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, एजोला फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एनाबेना ब्लू ग्रीन एल्गा एंड इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर इन राइस और पैडी फील्ड्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस अ प्लांट विच प्रोड्यूसेज स्पोर्स हैज एम्ब्रियो एंड बियर लीफ विदाउट वैस्कुलर टिश्यू, आंसर हमारा बी होगा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट आर ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम विच लैक्ड वैस्कुलर टिश्यू, दे प्रोड्यूस्ड हैव प्रोवाइड स्पोर्ट्स बाय मियोसिस, द जायगोट फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कह रहा है हमारा बी होगा इनकरेक्ट सेगमेंटेशन प्रेजेंट एनलेडा अर्थोपोडा बट एबसेंट इन कोडेटा, नहीं कोडेटा में भी होता है,
और ए सी और डी जो है सही हैं, रीड कर लेते हैं। डाइजेशन सिस्टम इज कम्प्लीट इन स्केलेमेंथस एंड इकानोडर्मेटा बट नॉट इन पैलेटीहेलमिंथस, बिल्कुल सही। सी कह रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन एस्केलेमेंथस एंड एलिटा बट नॉट इन टीरोफोरा, बिल्कुल सही। और डी कह रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम इज एबसेंट इन प्लेटीहेलमिंथस एंड एस्केलेमेंथस बट प्रेजेंट इन हेमोकोडेटा, बिल्कुल सही है। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन एनेलिड्स, अर्थोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। इन मेटामेरिक सेगमेंटेशन देयर इज अ लीनियर रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स वेयर ईच रिपीटेड यूनिट इज कॉल्ड सोमाइट और मेटामियर। इन अर्थवर्म्स द सक्सेसिव सोमाइट्स आर एसेंशियली सिमिलर बट दे आर डिसिमिलर इन डिफरेंट बॉडी रीजन्स ऑफ अ क्रे फिश और इंसेक्ट। मेटामेरिज्म इज कंस्पिकुअस बोथ एक्सट्रीम एक्सटर्नली इन एनेलिड्स, इट इज मोस्टली एक्सटर्नल इन अर्थोपोड्स एंड इंटरनल इन ह्यूमन एंड इन अदर कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट बॉडी मसल्स सम ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाउ मेनी ऑफ द गिवन एनिमल्स आर कॉर्डेट्स विथ वर्टिब्रा एंड जॉज? हमारा आंसर है ए, यानी 5 जो है इसमें से वो है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टिंग रे बिलोंग्स टू कॉन्ड्रिक्थीज, इचियोफाइसिस इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, मैक्रोपस कैंगेरू इज अ मार्सुपियल, क्लेरियस मागूर इज अ फ्रेश वाटर कैटफिश एंड केलोन इज अ टर्टल। ऑल दिज 5 एनिमल्स आर वर्टिब्रेट एंड हेंस दे हैव द वर्टिब्री एंड जॉज, बाकी सब नहीं होंगे इसलिए 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो ब्लैंक्स को फिल करके हम रीड करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रूट ऑफ अ मैंगो इज ड्रूप डेवलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड, आंसर हमारा डी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन मैंगो द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप, इट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड इज वन सीडेड। इन मैंगो द पेडिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इंटू एन आउटर थीन इपिकार्प, अ मिडिल फ्लेसी डिबल मेजोकार्प एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। क्वेश्चन नंबर 20, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर गट ऑफ इंसेक्ट्स इज, इंसेक्ट्स इज क्रॉप एंड इज मीट फॉर स्टोरेज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फोर गट ऑफ स्टोमक, द फोर गट और स्टोमेडियम ऑफ इंसेक्ट्स इज लाइन बाय द क्यूटिकल, इट कंसिस्ट ऑफ अ बकल चैम्बर, फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन, आंसर ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनहेरिटेड वाया एग सेल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एन एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स दैट अकर आउटसाइड द न्यूक्लियस, इट इज फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोट्स एंड कॉमनली नोन टू अकर इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स और फ्रॉम सेलुलर पैरासाइट्स लाइक वायरसेज और बैक्टीरिया। जीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक जीन्स एंड आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली फीमेल गैमेट्स कंट्रीब्यूट साइटोप्लाज्मिक जीन्स, दस दे सो मैटरनल इनहेरिटेंस एंड आर इनहेरिटेड ओनली बाई फीमेल गैमिट और एग सेल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर इज अ सिग्निफिकेंस फीचर ऑफ, आंसर है डी बोथ ए एंड सी। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड, दिज क्रोमैटिड्स आर नोन एज डॉटर क्रोमोजोम्स एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस दिस जंक्शन ऑफ क्रोमोजोमल पेयर अकर्स एंड क्रोमोजोम्स आर सेपरेटेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग द स्टोमाटल ओपनिंग, ऐसा टी गार्ड सेल लूज टर्गर ड्यू टू वाटर लॉस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग स्टोमाटल ओपनिंग के प्लस कंसेंट्रेशन गार्ड सेल इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट एंडोसमोसिस अकर्स, गार्ड सेल बिकम टर्जिट, इट्स थीन आउटर वॉल बल्जेज आउट एंड स्टोमाटा ओपेंस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आंसर हमारा डी होगा। कैल्शियम जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कैल्शियम इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड अ प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। MnBCU आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड अ प्लांट्स इन लेस क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इन एरोबिक रिस्पायरेशन हाउ मेनी टाइम्स मोर एटीपी इज प्रोड्यूस्ड देन एन एरोबिक रिस्पायरेशन, आंसर होगा बी 19। इन एरोबिक रिस्पायरेशन ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड,
However, in anaerobic respiration, only 2 ATP are produced. This is aerobic respiration, 19 times more ATP is produced than in anaerobic respiration. ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज. तो यहाँ पे जो है ओनली वन जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है अबाउट कार्डियक एक्टिविटीज. देखते हैं एक्सप्लेनेशन कह रहा है यहाँ स्टेटमेंट जो पी जो है वो इनकरेक्ट है. कह रहा है यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली दैट इज बाय द नोडल टिश्यू स्पेशलाइज टिश्यू. दिस इज द रीजन व्हाई द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक. यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो कह रहा है यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट इज रिलेटेड एक्सट्रेंजिकली नहीं इंट्रिंसिकली होगा. दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाई स्पेशलाइज मसल. ठीक है तो ये हमारा गलत है. बाकी जो है क्यू आर और एस बाकी सही हैं. यानी कि स्पेशलाइज न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. बिल्कुल सही. आर जो कह रहा है पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट सही है. और एस जो कह रहा है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स इंक्रीज कार्डियक आउटपुट बिल्कुल सही है. अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग सिग्निफिकेंट एनी रोल इन मेंटेनिंग काउंटर करेंट मैकेनिज्म. आंसर होगा डी पी सी टी. देख लेते एक्सप्लेनेशन. मैकेनिज्म ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन काउंटर करेंट मैकेनिज्म. मैमस पोजेज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन. स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन इज हेनस रू भाषा रेक्टा. द इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवार्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टीडियम फ्रॉम 300 टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मो मोल पर लीटर इज मेंटेन बाई द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेनस लूप एंड फासा रेक्टा एंड द काउंटर करेंट्स विद इन देम सेल्व्स. द मेंशन ग्रेडियंट इज मेनली डेवलप्ड ड्यू टू NaCl एंड यूरिया. क्वेश्चन नंबर 30. द गिवन पैराग्राफ डिस्क्राइब्स द रेस्टिंग स्टेज ऑफ नर्व फाइबर. तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो ब्लैंक्स को हम फिल करके यहाँ पे हम रीड कर देते हैं. आंसर हमारा ए है. तो व्हेन अ न्यूरॉन इज रेस्टिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस. सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू निगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्जोप्लाज्म. कंसिक्वेंटली द एक्जोप्लाज्म इनसाइड द एक्जोन कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ के प्लस एंड प्रोटीन्स. ओके तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन. ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज द एक्जोनल मेम्ब्रेन इज ए मोर परमिएबल टू के प्लस. बी कह रहा है नियरली इम्परमिएबल टू एन ए प्लस. और सी जो है वो है इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्जोप्लाज्म. ठीक है अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आंसर हमारा बी होगा. द कील इज द करेक्टेस्ट फीचर ऑफ टीलूस. बिल्कुल गलत है. बाकी ए सी और डी जो है वो सही हैं. यानी पेरिगनस फ्लावर इज फाउंड इन रोज. इसका ट्रिक भी है. इसका मैंने ट्रिक बना रखा है अपने चैनल पे. आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. और द गाइनेशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स इन माइकेलिया. और डी कह रहा है द पेरियंथ इज प्रेजेंट इन फ्लावर्स ऑफ लिली. बिल्कुल सही है. एक्सप्लेनेशन. मेंबर्स ऑफ द रोजेसी फैमिली लाइक रोज पीच एप्पल स्नो शो पेरिगनस कंडीशन. किल्स आर द स्मॉलेस्ट पेटल्स ऑफ पेपलिनेसियस कोरोला हैविंग वेजलरी स्टेबेशन व्हिच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फैबेसी फैमिली. ट्यूलिप इज अ मेंबर ऑफ द रिलेसी फैमिली. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एप्लाइसिया एक्सेप्ट. आंसर होगा डी वाटर वैस्कुलर सिस्टम. एप्लाइसिया और सी हेयर इज अ मोलस्क सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं. ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे. विच सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम. आंसर है बी पाइला एंड लोलीगो. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. हिरुडिनेरिया जो है फाइलम एनलिडा एंड लैसिफर जो है फाइलम अर्थोपोडा है. पाइला जो है वो फाइलम मोलस्का एंड लोलीगो फाइलम मोलस्का है. और ओबेलिया जो है फाइलम कोनाइडेरिया एंड ईवस्पोंजिया जो है वो फाइलम पोरीफेरा है. ओफ्यूरा जो है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड साल्पा जो है फाइलम कोर्डेटा है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे. जीन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली ऑन द एक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमंस. आंसर है बी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर.
in which a person is unable to differentiate between the primary color red and green. Baldness is a sex influenced disorder in which gene is located on autosome, but its expression differs in males and females. Night blindness is nutritional deficiency disease. Question number 35. A mutation at one base of the first codon of a gene forms a non-functional protein. It is called answer होगा D, missense mutation. Explanation देख लेते हैं. A point mutation in which a change of a single nucleotide results in a codon for a different amino acids is called a missense mutation. Change in the first base of codon results in a change in the entire codon, as genetic code is degenerate in nature. Due to this, the amino acid changes, and so does the nature of the entire protein. Question number 36. If a child is born with sickle cell anemia, then his or her parents must be, answer होगा B, heterozygous. Explanation देख लेते हैं. Sickle cell anemia is an autosome linked recessive trait that can be transmitted from parents to the offspring when both the partners are carriers for the gene or heterozygous. आते क्वेश्चन नंबर 37 पे. सिस्टर क्रोमैटिस ऑफ अ क्रोमोजोम हैव, आंसर होगा सी, सम एलील्स ऑफ द सेम जीन एट सेम लोकस. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सिस्टर क्रोमैटिस ऑफ अ क्रोमोजोम आर फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज. दस सिस्टर क्रोमैटिस कंसिस्ट ऑफ द सेम एलील्स ऑफ द सेम जीन एट द सेम लोकस. क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. आंसर हमारा ए है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोडेटा जो है, फर्स्ट फाइलम सब फाइलम यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा, सेकंड है सब फाइलम सिफेलोकोडेटा और थर्ड जो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, यानी कि बी सी डी जो है हमारे गलत हैं. ऑल प्रोटोकोडेट्स आर क्रेनेट्स, गलत. ऑल इकोनोटोमेट्स आर फ्रेश वाटर एनिमल्स, नहीं. और पोस्ट एनल ट्रेल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन कोडेट्स, ये भी गलत है. क्वेश्चन नंबर 39. आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन मोटाइल गैमिट्स इज फाउंड इन, आंसर हमारा डी होगा, स्पाइरोगायरा. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फ्यूकस इज अ ब्राउन एल्गा विच शोज ऊ गेमस रिप्रोडक्शन. क्लेमाइडोमोनास, इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा आर ग्रीन एल्गी विच शोज आइसोगेमस कंडीशन, बट इन स्पाइरोगायरा द फ्रेजुलेटेड कंडीशन इज कम्प्लीटली एबसेंट इन द लाइफ साइकिल, दस इट फॉर्म्स नॉन मोटाइल गैमिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज, आंसर है सी, 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2. ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, NCERT का लाइन है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. एनिमल्स विच पजेजेज कॉलर सेल्स एंड एन ऑस्कुलम एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिलोंग टू द फाइलम, आंसर हमारा डी होगा, पोरीफेरा. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज. स्पॉन्जेज है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसेल फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द स्कूलम. कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसेल एंड द कैनाल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. व्हिच साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ. आंसर हमारा सी है, 2.5 मिलीमीटर और लेस. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ फॉर पॉल्यूशन सेंट्रल अकॉर्डिंग टू सेंट्रल सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पार्टिकल्स साइज लेस देन 2.5 माइक्रोन्स और लेस आर मोर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एज दे आर इजली इनहेल्ड एंड रिजल्ट्स इन वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीज. आंसर हमारा सी होगा, और ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है पिछले NTA मॉक टेस्ट में. तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि किस NTA मॉक टेस्ट में पूछा हुआ है, अगर आपने पिछला वीडियो देख चुका है आपने, या फिर आपने मॉक टेस्ट दिया है सेल्फ से. तो क्वेश्चन नंबर 43. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पजेजेज अ स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. आंसर हमारा ए होगा, मिंड्रीना. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कोरल्स हैव अ स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. दे बिलोंग टू द फाइलम सिलेंड्रेटा और नाइडेरिया. फाइसेलिया जो है उसको बोलते हैं पोर्टुग्यूज मैन ऑफ वार. एडम्सिया बोलते हैं सी एनिमोन को. पेनाटूला बोलते हैं सी पेन को. और मिंड्रीना बोलते हैं ब्रेन कोरल को. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे.
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो हमारा करेक्ट जो है वो है डी, इन दिस हाइपोथेसिस स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल इनरिक कंपेयर्ड द इकोसिस्टम टू एन आयरन क्लैड शिप विद द स्पीसीज एज द शिप्स रिवेट्स। ओके, ये जो हमारा जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, क्योंकि ये सीप के बारे में नहीं बताया गया था, एरोप्लेन के बारे में बताया गया था, रिवेट और पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में। देख लेते हैं अथी ए बी सी जो हमारा सही स्टेटमेंट वो भी पढ़ लेते हैं। कंसस एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज थ्रू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मोर हार्मफुल दैन नेचुरल एक्सटेंशन। बी कह रहा है द स्पीसीज विच गोज एक्सटिंक्ट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। और सी जो कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज विल नॉट अफेक्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इनिशियली बट इट बिकम्स डेंजरस ओवर टाइम। ये हमारा एक एन सी आर टी का लाइन है एक्सप्लेनेशन। तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रिवर पॉपर हाइपोथेसिस वाज यूज्ड बाय अ स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल इनरिक इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स ज्वाइन टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स मतलब स्पीसीज। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन दट इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम काउजिंग द स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इज इनिशियली बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल लॉस ऑफ रिवेट्स ऑफ द विंग्स की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी दैन दोज ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स ऑन और विंडोज इन साइड द प्लेन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कॉकरोच। आंसर हमारा सी जो है इनकरेक्ट है, यानी कि मशरूम ग्लैंड जो होता है इट ओपन्स इन फैलिक ग्लैंड, ये गलत है। बाकी ए बी डी जो है सही है। क्या क्या है देख लेते हैं। वासा डिफरेंसिया ओपन इन टू द एजेकुलेटरी ट्रैक्ट भाया सेमिनल वेसिकल्स, बिल्कुल सही है। सेमिनल वेसिकल्स जो है वन पेयर होते हैं और डी जो है एजेकुलेटरी ट्रैक्ट बोथ सेमिनल वेसिकल्स फॉर्म अ सिंगल एजेकुलेटरी ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। तो ज़्यादा हमको ये देने का जरूरत है नहीं एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये 45 क्वेश्चन हो गए हैं बायो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। यार इतना देर आपके लिए बोल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज़। ओके, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। मैच द कॉलम ए एंड बी। तो हम लोग कॉलम मैच करना है, हमारा आंसर ए है। तो हम एक्सप्लेनेशन में कॉलम दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया नहीं एक्सप्लेनेशन में कॉलम, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। एक कह रहा है टू यानी कैटालिटिक कन्वर्टर जो है सी ओ टू एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिमूव करता है, सॉरी सी ओ टू नाइट्रोजन ऑक्साइड को एक करता है। बी का जो है वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है। सी का फोर मतलब कि ईयर मफल्स जो होते हैं वो हाई नॉइज लेवल कंट्रोल करता है। और डी का जो है लैंडफिल्स है वो थर्ड होगा, यानी कि सॉलिड वेस्ट को इसमें किया जाता है डंप लैंडफिल्स को। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉज करके देख लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द फॉलोइंग कॉलम्स एंड मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर ए है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे कॉलम करेक्ट दिया हुआ है। कॉलमनर एपिथेलियम जो है माइक्रोविलाई में होते हैं और लिगामेंट्स जो है इलास्टिक टिश्यू फॉर्म करता है। कॉन्ट्रियोब्लास्ट जो है वो लैरिंग्स में होते हैं और एसिडोफिल्स जो होते हैं स्नोपिनिया काउच करते हैं। और यूनिक्लोटेड स्पिंडल शेप्ड मसल फाइबर जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमारा एन सी आर टी का डायग्राम उठा कर दिया हुआ इकोलॉजी चैप्टर का, इको सिस्टम का। तो यहाँ आंसर जो है बी होगा। इट इज ए पिरामिड ऑफ बायोमास विच शोज अ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटो प्लैंक्टॉन सपोर्टिंग अ लार्जर स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टॉन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज अ मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोमास और द नंबर इन यूनिट एरिया। एन ओशियन इकोसिस्टम इज लार्जली डोमिनेटेड बाई द प्लैंक्टोन पॉपुलेशन। द गिवन डायग्राम शोज एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास विद अ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटो प्लैंक्टोन सपोर्टिंग अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टोन। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। बाकी जो ए सी और डी जो है एक्सप्लेन नहीं करता है, करेक्ट नहीं है। तो
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। प्लांट सक्सेशन अकरिंग इन अ वाटर बॉडी इज कॉल्ड, आंसर हमारा ए होगा, हाइड्रोसियर होगा। तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ हाइड्रोसियर इज अ प्लांट सक्सेशन विद अकर्स इन एन एरिया ऑफ फ्रेश वाटर सच एज इन ऑक्सबो लेक्स एंड केटल लेक्स। इन टाइम एन एरिया ऑफ ओपन फ्रेश वाटर बी नेचुरली ड्राई आउट अल्टीमेटली बिकमिंग वुड लैंड ड्यूरिंग द चेंज रेंज ऑफ डिफरेंट लैंड टाइप सच एज स्वाम्प एंड मार्स विल सक्सीड इच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। बाईपोलर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन, आंसर हमारा ए होगा, रेटिना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाईपोलर न्यूरॉन्स जो होता है नंबर ऑफ डेंड्राइट्स यानी कि वन नंबर एक्जोन्स वन होते हैं और फाउंड इन रेटिना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ग्लूकोज इन द ल्यूमेन ऑफ गट इज एब्जॉर्ब्ड, आंसर ए, मेनली बाई एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सम बाई पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेरियस मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ए सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैटी एसिड्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन जो रहा है रिपीट भी कर चुका है 52 नंबर। एंड एसोसिएशन एसेंशियल एंड बेनिफिशियल टू बोथ द पैरामीटर्स ऑब्जर्व बिटवीन, आंसर ए होगा, ऊफ वायरस एंड बीज। देख लेते एक्सप्लेनेशन। म्यूटेशन म्यूटलिज्म इज डिफाइंड इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट्स द पॉजिटिव साइंस कैरेक्टराइजिंग इन आउटकम ऑफ दियर इंट्रैक्शंस, दैट इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट बेनिफिट बोथ ऑफ देम। ऑर्किड शो अ बेवेल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स मेनी ऑफ विच हैव इवॉल्व्ड टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट्स। बीज एंड बम्बल बीज एंड इंश्योर गारंटेड पॉलिनेशन बाय इट। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड्स, द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरस इंप्लॉयज सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीसीज ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 पे। टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इन ई कोलाई वेयर आइसोलेटेड, वन वाज मिथाइलेज एंड अदर वाज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिथाइलेज। ओके, तो हम यहाँ आंसर देखते हैं। सी जो है वो आंसर है प्रोडक्शन ऑफ होस्ट डीएनए फ्रॉम द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप टू वन और टू बेसेज यूजुअली विद इन द सिक्वेंसेज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी ही इतना लंबा है। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। पीपल सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज, आंसर बी, मेलानिन इन एल्बिनिज्म। जेनेटिक चेंजेज में कॉज अ पर्सन टू हैव लाइट कलर्ड हेयर एंड स्किन। एल्बिनिज्म इज एन इनहेरिटेड डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय सब्सटेंशियली लोअर रेट ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन। मेलानिन इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द स्किन एंड द हेयर। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द लैक ऑपरेंट विच इज एन ऑपरेंट फॉर इंडोसिबल इंजाइम, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड इंजाइम्स। तो हमारा आंसर ए है, जो एक्स जो है वो रिप्रेशर है, वाई जो है वो इंड्यूसर है, यहाँ पे जो E1 जो इंजाइम है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, E2 जो है वो परमिएज है और E3 जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक की जरूरत है नहीं, लैक ऑपरेंट एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर एन नॉर्मल एक्सपायरेशन इज टर्म्ड, आंसर डी होगा, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। यानी फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी जो होता है FRC इक्वल टू ERV प्लस RV, इट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब हम लोग 55 तो देख चुके थे, एक मिनट, यहाँ पे बैक हो चुका है। तो 55 हम लोग देख चुके थे, 56 भी हो चुका था, 57 हो चुका था। अब आता है 88 पे। PGA आर द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन, आंसर होगा डी, एलगी में किया गया था। कैल्विन एंड हिज कलीग्स यूज्ड द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा क्लोरेला एंड सेंडेसमस टू स्टडी द कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन ऑन फोटोसिंथेसिस। दे इनक्यूबेटेड C14 विथ इल्यूमिनेटेड सस्पेंशन ऑफ एल्गी एंड फॉलोड द टाइम कोर्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिडक्शन साइकिल कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लावरिंग एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड इन द
सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स सच है जाको जीन, आंसर हमारा हुआ जिंक। ये हमारा एनसीईआरटी का लाइन है, आगे देखते हैं ज़्यादा प्रश्न की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का, हाउ मच ऑक्सीजन इज नॉर्मली डिलीवर्ड बाई 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू, आंसर होगा बी 5 ml। ओके, इच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल सपोर्ट टू एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड कैन डिलीवर अप टू 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, अ वेन पोजेज अ लार्ज ह्यूमन अ लार्ज ल्यूमेन बिकॉज, आंसर होगा डी ट्यूनिका मीडिया इज अ शॉर्ट इज अ थीन कोट होते हैं उसमें। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस इंडोथेलियम द ट्यूनिका इंटरना, मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर द ट्यूनिका मीडिया एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर्स द ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये जो जो दिया हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन उसी में से जो है, जहाँ पे जो बोल्ड ब्लैक कलर का है और स्क्वामस इपिथिलियम का जो नाम है ये सब, वो फिल इन द ब्लैक्स में क्वेश्चन आ चुका है NTA मॉक टेस्ट में, किस टेस्ट में आया है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन, आंसर हमारा ए होगा ट्रोपोनिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन है उसमें एक्टिन ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन और मायोसिन से होते हैं, और ट्रोपोनिन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन इन अ रिलैक्स्ड स्टेज, ट्रोपोनिन मार्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन फिलामेंट्स टू प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो हमारा आंसर होगा डी ब्लू एंड रेड होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एन एक्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ ऑफ द रेट ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस प्लॉटेड अगेंस्ट वेव लेंथ ऑफ लाइट, इट इज रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन मेनी सिस्टम्स एज फार एज स्टोमाटा ओपनिंग इज कंसर्न्ड अफेक्टली इफेक्टिविटी ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट इज हाइएस्ट, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्रोमाइज, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड लाइट विच एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल इज क्लोरोफिल ए इज मैक्सिमम इन ब्लू लाइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे, अ सेल विथ DPD यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशेंट इक्वल टू 5 इज सराउंडेड बाई सेल्स ए बी सी एंड डी हैविंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड टर्गर प्रेशर रिस्पेक्टिवली भी 5, 4, 7 एंड 5, 3 एंड 2 एंड 0 एंड 0। ओके, अब कह रहा है फाइंड फ्रॉम व्हिच सेल इट विल ड्रॉ वाटर फास्ट, आंसर होगा डी। तो हम यहाँ पे सबका निकाल लेते हैं DPD OP माइनस TP करके, उसके बाद जिसका DPD सबसे कम रहता है उसमें जो है वाटर ड्रॉन फास्टेस्ट होगा, यानी सिंस डी हैज द लोवेस्ट DPD वैल्यू द प्रेशर डिफरेंस डेवलप्ड विल बी हायर एंड हेंस वाटर विल बी ड्रॉन फास्टर फ्रॉम द सेल डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, ऑल द फॉलोइंग आर फंक्शंस कंट्रोल्ड बाई द सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा एक्सेप्ट, आंसर होगा ए जो इंटेलिजेंस है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा से कंट्रोल नहीं होता है, बाकी जो रिस्पायरेशन है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेज हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हैं, ये सारे कंट्रोल होते हैं, तो एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा जरूरत है नहीं। चलो आते हैं यहाँ पे एक देख लेते हैं, जो इंटेलिजेंस का जो सीट ऑफ इंटेलिजेंस है वो 4 ब्रेन हमारा होता है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर या सेरेब्रम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा है, तो सल्फर कंटेनिंग क्या होता है, मिथियोनिन होता है और सिस्टीन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कंट्रीब्यूट सब्सटेंटली टू द मेंटेनेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर सिस्टम बाय इन्फ्लुएंसिंग सेलुलर रिडॉक्स रिएक्शन एंड सेलुलर कैपेसिटी टू डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिक कंपाउंड्स, फ्री रेडिकल्स एंड रिएक्टिव स्पीसीज मिथियोनिन एंड सिस्टीन आर द 2 प्राइमरी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स इन फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट्स, आंसर होगा सी पेक्टिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, पेक्टिन इज अ स्ट्रक्चरल एसिडिक हेट्रोपोलीसेक्राइड कंटेंड इन द प्राइमरी एंड मिडिल लैमेला सेल वॉल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इट्स मेन कंपोनेंट इज गैलेक्टो यूरोनिक एसिड अ सुगर एसिड डिराइव्ड फ्रॉम गैलेक्टोज। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे, इन ऊगेमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, आंसर होगा बी अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो गेम इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट फ्यूजन ऑफ लार्ज यूजुअली स्टेशनरी फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। द फीमेल गैमेट मे कंटेन नरिशमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो व्हिच इज ऑफन रिटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। इन ह्यूमन ब्रेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनली ओपन्स एट द सरफेस ऑफ द निप्पल्स। आंसर होगा डी, लैक्टिफेरस डक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। मेमोरी लोब्स आर फाउंड इन द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट। ईच मेमोरी लोब इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ ल्यूमेन विद इन एल्वियोलर सेल्स सीक्रेट मिल्क इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई वेयर इट टेम्पररी रिस्टोर्ड। एल्वियोलाई ओपन इन मेमोरी ट्यूब्यूल्स व्हिच जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। मेनी मेमोरी डक्ट्स जॉइन एंड ओपन इन द डायलेटेड एरिया नोन एज मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला नैरोज एंड कंटिन्यूज एज लैक्टिफेरस डक्ट व्हिच ओपन एट द सर्फेस ऑफ द निपल्स इन द एरियोलर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। द सिक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डी एन इज 3- TSC, CSC, TCC, ATA, AAT5-. हाउ मेनी प्यूरिन्स विल बी प्रजेंट इन द वाटसन क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डी एन। आंसर होगा सी, यहाँ पे 15 होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्यूरिन इन अ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपोज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। प्यूरिन्स इंक्लूड एडेनिन एंड गुआनिन व्हिच पार्टिसिपेट इन डीएनए एंड आरएनए फॉर्मेशन। प्यूरिन इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ अ पैरिमिडिन रिंग फ्यूज टू एन इमिडाजोल रिंग। अकॉर्डिंग टू द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। दस गिवन सीक्वेंस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज, हमारा ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे। बाल्बियानी रिंग्स आर साइट ऑफ, आंसर हमारा ए होगा, आरएनए सिंथेसिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाल्बियानी रिंग्स आर द साइट्स ऑफ पर्टिकुलरली एक्टिव आरएनए सिंथेसिस ऑन द पॉलीटिन क्रोमोसोम्स ऑफ किरोनोमिट्स। थ्री सच साइट्स अकर ऑन द फोर्थ क्रोमोजोम इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ किरोनोमस्कुलेरवा। 72। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज इंक्लूड मियोसिस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। आंसर होगा बी, फेज ऑफ मैचुरेशन डिवीजन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सम स्पर्मेटोगोनिया टर्म्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स मियोसिस वन रिडक्शन डिवीजन एंड गिव्स राइज टू टू इक्वल साइज्ड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एन इक्वल टू 23। बोथ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस सेकेंड इक्वेशन डिवीजन टू प्रोड्यूस टू इक्वल स्पर्मेटिड्स एन ईच। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। द क्रोमोजोम्स कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अ सर्टेन क्रोमोजोम अपीयर्स एल शेप्ड ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज एंड हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोजोम। सच क्रोमोजोम विल बी, आंसर होगा बी, सब मेटासेंट्रिक। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम हैज अ मिडिल क्रोमोजोम फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोजोम रिजल्टिंग इन वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म वेयर एज द टीरोसेंट्रिक क्रोमोजोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। इस टाइप का क्वेश्चन एनटीए टेस्ट में आ चुका है। अगर आप टेस्ट दे चुके हैं पिछले, अगर आपको मिला है क्वेश्चन तो जरूर बताएं किस एनटीए टेस्ट में आए हुए हैं ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। स्क्लेराइट्स कैन बी सीन इन, आंसर होगा बी, लीव्स ऑफ टी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्क्लेराइट्स आर एक्सट्रीमली वेरिएबल इन शेप एंड आर प्रेजेंट इन वेरियस टिश्यू ऑफ द प्लांट सच एज द पेरीडर्म कॉर्टेक्स पीथ जाइलम एंड फ्लोएम। दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स पल्प ऑफ फ्रूट लाइक ग्वाभा पियर एंड सपोटा सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हमारा यहाँ पे है जो ए बी सी डी सारे सही हैं। तो एक बार रीड दे देते हैं। जो ए जो है, ए इज एनालोगस टू द लेबिया मेजोरा ऑफ द फीमेल। बी जो कह रहा है, बी इज अ मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट एंड सीक्रेट्स गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। सी जो कह रहा है वो है, सी इज अ मेल एसेसरी ग्लैंड दैट फॉर्म 60-70% ऑफ
और द वॉल्यूम ऑफ सीमेन, और ये जो डी कर रहा है, डी इज ऑल्सो मेल एसेसरी ग्लैंड एंड इज इट्स सेक्रेशन हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, तो एक्सप्रेशन ज़्यादा जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। अरे यार कहाँ तक हम लोग आ गए थे, प्रीवियस ये नहीं हुआ था, ये हो गए थे 66, 67। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द होमो हैबिलिस। ये हमारा इट कंसिडर टू द टू बी इवॉल्व्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, बी कर इट वाज द फर्स्ट होमोनिड, और सी जो कर रहा है क्रेनियल कैपेसिटी वाज अराउंड 650 to 800 cc। इसका आंसर है डी, इट वाज एब्सोल्युटली कार्निवोर, से गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन ए बी सी जो है वो सही हैं। हमने क्रेनियल कैपेसिटी का अभी ट्रिक भी बना रखा है पिछले मॉक टेस्ट में, वहाँ जाकर देख सकते हैं। जो एच से होमो हैबिलिस है, एच से हेक्साइब होता है, तो यहाँ पर 650 to 800 सही है, और बाकी सारे का भी मैंने क्रेनियल कैपेसिटी बना चुका हूँ। और यहाँ पे जो है होमो हैबिलिस जो होता है डिड नॉट ईट मीट होते हैं, यहाँ पे कार्निवोरस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 77 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईली सेंसिटिव टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड आर इंडिकेटर ऑफ सल्फर पॉल्यूशन। आंसर हमारा बी होगा, लाइकेन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लाइकेन्स आर वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन पर्टिकुलरली फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। द एक्सट्रीम सेंसिटिविटी ऑफ लाइकेन टू SO2 इज पार्शियली रिलेटेड टू दियर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मोर SO2 फॉर अ गिवन कंसनट्रेशन दैन टिपिकल वैस्कुलर प्लांट। एयर पॉल्यूटेंस एडवर्सली इम्पैक्ट नॉट ओनली ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड मॉर्फोलॉजिक, बट ऑल्सो वाइड वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच ऑल्सो बिकम्स रिफ्लेक्टेड इन अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेज। आधा क्वेश्चन नंबर 78 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर माइक्रोब प्रोड्यूसिंग अ मॉलिक्यूल द सेम एज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। हमारा आंसर होगा बी, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन विच द माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज प्लेस्ड। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल इज सिट्रिक एसिड और सिट्रेट। एस्परगिलस नाइगर बिलोंग टू द एस्कोमासिटीज इज द माइक्रोब यूज टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड ऑन लार्ज स्केल। द ग्रुप एस्कोमासिटीज इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल पेनिसिलियम द सोर्स ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। क्लेविसेप्स जो है, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा बोथ यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, हु डिसअप्रूव्ड द थियोरी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस टू द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। आंसर होगा डी, कार्ल अर्नस्ट वॉन बीयर। ओके, कैसे किया था देखते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज ऑल्सो प्रपोज बाय अर्नस्ट हकेल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गेन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स। हाउएवर, दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन अ केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बीयर। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेज ऑफ अदर एनिमल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स वेरिएशंस एमोंग सिबलिंग्स। आंसर हमारा डी होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स और क्रॉसिंग ओवर होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स मीन्स दैट एलील पेयर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इंडिपेंडेंटली। इट मीन्स दैट ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड टू ऑफ स्प्रिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स, बोथ द प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस सीन अमंग द सिबलिंग्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे, पीक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे। तो हमारा आंसर जो है वो 1, 2, और 4 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, और 3 जो है इनकरेक्ट, यानी कि फिनाइल केटोनोरिया इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो है इनकरेक्ट है। बाकी हीमो 1 जो हीमोफीलिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बिल्कुल सही है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनिप्लॉयडी बिल्कुल सही है, और 4 कह रहा है थैलासेमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर बिल्कुल सही है, और 5 जो है वो भी इनकरेक्ट है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये भी गलत है, ये ऑटोसोमल होते हैं। एक्सप्रेशन देख लेते हैं,
हीमोफीलिया इज और ब्लीडर्स डिजीज इज सेक्स लिंकेड यानी एक्स लिंकेड रिसेसिव डिजीज। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम 21 दैट इज हाइपर डिप्लोइड टाइप ऑफ एनिप्लोइडी है। और फिनाइलकेटोन्यूरिया जो है सीरो सिकल सेल एनीमिया है, और थैलेसीमिया जो है वो है ऑटोजोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, 8 क्वेश्चन और शायद बचे हुए हैं बायो में, फटाफट देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर हमारा ए है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। बाकी बी सी डी जो है वो गलत हैं, बॉडी सेक्रेशन लैक एंटीबॉडीज बिल्कुल गलत, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एच आई वी डी डबल स्टैंडर्ड डेरियन बिल्कुल गलत हैं, और स्प्लीन इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन ये भी गलत हैं। देख लेते एक्सप्लेनेशन, बॉडी सेक्रेशन पॉजिटिव एंटीबॉडीज, जेनेटिक मटेरियल इज जेनेटिक ऑफ एच आई वी सिंगल स्टैंड आर एन ए होते हैं, और स्प्रीन जो होता है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, द स्प्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर टू द नेबरिंग टिश्यू इज टर्म्ड एज, आंसर होगा बी मेटास्टेसिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ड्यूरिंग मेटास्टेसिस सेल्स स्लज्ड फ्रॉम ट्यूमर्स रीच रिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड एंड गेट लॉग्ड इन द बॉडी टू फॉर्म अ न्यू ट्यूमर सेल्स ट्यूमर देयर। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, तो 84 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर कंडक्टेड, आंसर हमारा ये होगा मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो पॉपुलेशन पे ही स्टडी किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देयर थ्री और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स एलिस कैन ऑक्यूपाई द सेम लोकस, हाउ यू फॉर ओनली टू ऑफ द एलिस कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल द ए बी ओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज कंट्रोल्ड बाई थ्री एलिस ओनली टू ऑफ विच आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, टू स्टडी ऑल द एलिस ऑफ जीन टाइप वन मस्ट टेक द होल पॉपुलेशन इन टू कंसिडरेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिजीज, कौन सा जो है वो फंगल डिजीज नहीं है, आंसर होगा सी ब्लैक रोट ऑफ कॉलीफ्लावर जो है वो फंगल डिजीज नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम जैंथोमोनास कैम्पस्टेरिस एंड इट इज द मोस्ट कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ द कैबेज फैमिली वर्ल्ड वाइड। बाकी जो रस्ट ऑफ व्हीट हैं, अस्मट ऑफ बाजरा और ब्लाइट ऑफ काउपी ये सारे फंगल डिजीज हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निमोनिया इज कॉज्ड बाय, आंसर होगा ए एंड बी बोथ होगा, यानी कि द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फर्स्ट रेसिशन एंजाइम वाज आइसोलेटेड बैक्टीरियम यूज्ड इन ग्रिफ एक्सपेरिमेंट, ये दोनों सही हैं। बाकी जो सी जो है गलत हैं, द वायरस यूज्ड इन हसियन चेज एक्सपेरिमेंट गलत हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, निमोनिया जो है कॉज्टिव ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज बाय इन्फेक्शन पर्सन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड एजुकेशन विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी एक कोरोना वायरस का भी यही मोड ऑफ इन्फेक्शन है। पाथवे देख लेते हैं, एंट्री ऑफ पैथोजन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ एल्वियोलाई गेट फील्ड विद फ्लूइड सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये होता है हमारा कोरोना वायरस में यही होता है, सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाता है। साइन एंड सिम्टम्स जो होता है वो फीवर चिल कफ एंड हेडक होता है, लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लू सिंस सीवियर कॉजेज। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, माइक्रोब यूज इन चीज प्रिपरेशन, आंसर होगा डी प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ओके रटने वाला पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, आंसर हमारा सी होगा प्रोब को हम यूज करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यूजेज सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव प्रोब दैट आर वाश्ड ओवर द नाइलोन सर्फेस टू ऑलो देयर ज्वाइनिंग टू एनी डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेम कॉम्पोजिशन देयर बाय मैचिंग डिफरेंट डीएनए सैंपल्स, डबल स्टैंडर्ड प्रोब्स वुड नॉट हाइब्रिडाइज विद डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट ऑन द नाइलोन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, इन एमओईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू सरोगेट मदर्स इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, आंसर होगा ए 8 to 33 स्टेज, ए 8 to 32 स्टेज हो सेल्ड होगा, और ये जो हमारा पिछले टेस्ट में आ चुका है, शायद एक दो टेस्ट पहले का आया हुआ है, कौन से टेस्ट में अगर आपने वीडियो देखा है या टेस्ट दिया तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दें। अच्छा तो इसका हम एक्सप्लेनेशन
दिनों की ज़्यादा जरूरत है नहीं, बस रटने वाला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायो, उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री पे। तो फटाफट देखते हैं, सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर हमारा डी है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल एट गिवन टाइम इज रेफर्ड टू एज द स्टैंडिंग क्रॉप। ये हमारा जो है ये गलत है, जो हमारा करेक्ट है इन करेक्ट स्टेटमेंट, हमने डी हमने देख लिया। और ए बी सी भी पढ़ लेते हैं, एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ट्रॉपिक लेवल, ये सही है। सेकेंडरी सक्सेशन ये फास्ट होता है, प्राइमरी सक्सेशन सही है। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कैन नॉट एक्सप्लेन द वाइटल फंक्शन ऑफ एन इको सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड टू एज द स्टैंडिंग स्टेट। इस ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मेटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। ओके, तो ये हमारा रहा पूरा बायो का क्वेश्चन। अब देखते हैं केमिस्ट्री का, उसके बाद देखेंगे फिजिक्स में। प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मोर सारे जितने भी एनटीए टेस्ट हैं मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा और उसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। जिसको पीडीएफ चाहिए वो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकता है, आपको पीडीएफ सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। तो यहाँ पे केमिस्ट्री क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड विथ अ सर्टेनिटी ऑफ 0.005% विथ विच द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इन। एच का वैल्यू दिया हुआ है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 × 10⁻³¹, और एच का वैल्यू 6.6 × 10⁻³⁴ kg m² s में। तो ये हमारा हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल एक्स इंटू एम डेल भी इक्वल टू एच बाई 4π, और डेल एक्स इक्वल टू करेंगे तो एच बाई 4π इंटू एम डेल भी हो जाएगा। वैल्यू अगर पुट करेंगे 0.005% है तो उसको परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0.05/100। अब यहाँ पे फिर डेल एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.9 × 10⁻³ आ जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशंस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई इज 550 mmHg एट द सेम टेम्परेचर। इफ 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड इन दिस सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज बाई 10 mmHg। वेपर प्रेशर इन mmHg ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस दियर प्योर स्टेट विल बी रिस्पेक्टली किया होगा। तो ये हमारा सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, आंसर हमारा बी होगा 400 और 600। देख रहे थे एक्सप्लेनेशन, तो हमारा पी जो टोटल होगा पी पी नॉट एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस पी नॉट वाई एक्स वाई होगा, और पी एक्स का वैल्यू जो है एक्स मोल फ्रैक्शन जो एक्स होगा वो होगा मोल एक्स, और एक्स वाई जो है वो मोल फ्रैक्शन वाई है। यहाँ पर पी टोटल का जो वैल्यू है 550 है, यहाँ पे पुट करेंगे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अगर फॉर्मूला से पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे दो इक्वेशन आ जाता है, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा पी नॉट एक्स 400 आ जाता है और पी नॉट वाई जो है हमारा 600 mmHg आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज W1 W2 आर रिस्पेक्टिवली वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। आंसर हमारा ये हो जाएगा, M2 इक्वल टू जो होता है kV × W2 × 1000 / ΔTB × W1 होगा। और हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा, डेल्टा टी बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है kV × W2 × 1000 / W1 × M2, और M2 का जो फॉर्मूला होता है M2 यहाँ से अगर निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। BOH होल थ्राइस प्लस NOH गिव्स NaBOH होल 4, हाउ दिस रिएक्शन कैन इज मेड टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारा आंसर ए हो जाएगा, एडिशन ऑफ सिस 1 to डायल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हमारा, BOH फॉर माइनस फॉर्म्स कंपाउंड विथ सिस 1 to डायोल दैट इज इट कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू लीच एट एडियर्स प्रिंसिपल द रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। BOH होल ट्वाइस प्लस H2O गिव्स BOH होल 4- प्लस H+ होगा, तो हमारे यहाँ सिस डायोल फॉर्म हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5
फाइव पे सॉलिड BaNO3 होल ट्वाइस इज ग्रेजुअली डिजॉल्व इन 1.0×10⁻⁴ Na2CO3 सोल्यूशन एट व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ Ba2+ विल अ प्रेसिपिटेट बिगिन टू फॉर्म एस के एस पी फॉर BaCO3 इक्वल टू जो है वो 5.1×10⁻⁹ होगा। आंसर हमारा ए होगा 5.1×10⁻⁵। उसमें देख लेते हैं BaNO3 होल ट्वाइस प्लस NO3 करेंगे तो ये हमारा BaCO3+2NO3 बन जाएगा। दोनों कंसेंट्रेशन हमारा इक्वल हो जाएगा कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि 10⁻⁴। KSP अगर निकालेंगे तो हमारा 5.1×10⁻⁹ आ जाएगा यानी कि Ba2+ अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर निकालेंगे तो यहाँ पे 5.1×10⁻⁵ आ जाएगा। एट दिस वैल्यू Ba2+ इक्वल टू 5.1×10⁻⁵ एम प्रेसिपिटेशन क्या होगा जस्ट स्टार्ट्स होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे इन विच प्रोसेस फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। हमारा आंसर होगा बी कास्टनर्स प्रोसेस को बोलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaOH कैरिड आउट बाई 330°C यूजिंग आयरन एज कैथोड एंड निकेल एज एनोड इन कास्टनर्स प्रोसेस एज फॉलोज 2NOH गिव्स 2Na+OH माइनस कैथोड पे क्या होगा यहाँ पे कैथोड पे Na मिल जाएगा सोडियम और जो एनोड पे हमारा O2 डिबरेट होगा और H2O बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग द मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10OH। आंसर हमारा डी होगा यानी 7। एक्सप्लेनेशन देखते हैं ए साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ C4H10O आर 7 एंड कैन बी गिवन बाई ये सारा हमारा हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। ओके टोटल 7 आइसोमर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इन इज 6.93 मिनट्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी ए। यहाँ रहा लॉग टू का वैल्यू दिया हुआ 0.301। यहाँ आंसर हमारा आ रहा है बी 46.06 मिनट। और एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं के का जो फॉर्मूला होता है 0.692/T½ होता है। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे और फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे टी को 2.303 लेमडा लॉग ए नॉट बाई ए से तो हमारा आंसर हमारा जो आ जाता है 46.06 मिनट आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फिजियोजॉर्सन यानी कि ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आंसर हमारा जो है वो इनकरेक्ट जो है वो सी है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एट एडजॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव ये हमारा गलत है। आंसर डी सी हो जाएगा और ए बी सी रीड कर लेते हैं ए बी डी मोर इजली फेवल गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड एडजॉर्ब्ड रेडियली बिल्कुल सही है। अंडर हाई प्रेशर इज रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑन एडजॉर्बिंग सर्फेस बिल्कुल सही। और डी कह रहा है इट अकर्स बिकॉज ऑफ वंडर वर्स फोर्सेज ये भी सही है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन एंड इन एज इनथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन रिगार्डिंग फ्यूजियोजॉर्प्शन इज नॉट पॉजिटिव बट इट इज निगेटिव सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट व्हाइल रेस्ट ऑल आर करेक्ट फीचर्स ऑफ फ्यूजियोजॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 10 द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज आंसर हमारा ए है Na+ इज मोर देन Li+ इज मोर देन Mg2+ इज मोर देन Be2+। यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं एज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड रेडियस और आयनिक रेडियस डिक्रीजेज एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेज सो फॉलोइंग इट्स पीरियड ट्रेंड्स ऑफ साइज द करेक्ट ऑर्डर क्या होगा सबसे ज़्यादा है Na+ उसके बाद Li+ उसके बाद Mg2+ देन Be2+। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रूसियन ब्लू इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ फेरिक आयन एंड फेरोसाइनाइड। आंसर हमारा सी है Fe4 Fe6 होल थ्राइस। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रूसियन ब्लू इज Fe4 Fe6 होल थ्राइस। Fe3+ रिएक्ट्स विद सोडियम फेरोसाइनाइड टू गिव फेरोसाइनाइड प्रूसियन ब्लू एज फॉलोज 4 Fe3+ + 3 Na4 Fe6 जो हमारा प्रूसियन ब्लू दे रहा है और +12 Na+ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ कॉन्ग एच 2SO4 गिव्स। आंसर हमारा हो जाएगा Be CO+ CO2+H2O। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं C double OH जो है हमारा ये है ऑक्जेलिक एसिड ठीक है H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारा CO2 CO और H2O बन रहा है। यह जो H2SO4 जो है वो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वाटर को निकालता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ जेनॉन कंपाउंड इज नॉट फिजिबल, कौन फिजिबल नहीं है? तो हमारा जेनॉन का जो कंपाउंड है HCO3 अगर 6HF से रिएक्शन करेगा तो HCF6+2H2 नहीं बनाएगा, बाकी जो सारे ए हैं यानी कि 3HCF4+6H2O गिव्स 2HC+HCO3+12HF+1.5O2 सही है देगा 2HCF2+2H2O गिव्स 2HC+4HF+2 भी देगा, और सी जो हमारा है HCF6+RbF गिव्स Rb+ और HCF7- ए भी हमारा देगा। तो हमारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हियर रिमेनिंग रिएक्शंस आर फिजिबल एक्सेप्ट द लास्ट वन इज नॉट पॉसिबल। ओके क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एन अननोन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट इफ द ऑक्सीजन कंटेंट इज 20% बाई वेट? आंसर हमारा बी होगा यानी 32। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लेट द ऑक्साइड ऑफ अननोन एलिमेंट जो हम MO मान ली है, गिवेन दैट ऑक्सीजन कंटेंट 20% बाई वेट, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अननोन एलिमेंट जो एम जो होगा वो 80/20 करेंगे इंटू 8 ग्राम, तो हमारा आ जाएगा ए। उसके बाद हम इक्विवेलेंट वेट का अगर निकालेंगे तो हमारा आ जा रहा कितना आ रहा है 80/20 इंटू 8 करेंगे तो 32 ग्राम आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, फॉर विच रिएक्शन चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव? हमारा आंसर होगा सी, जो है NH4NO3 को अगर N2O+H2O करेगा तो हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी जो H2+I2 करेंगे 2HI तो निगेटिव होगा यानी कि पॉजिटिव निगेटिव एंट्रोपी होगा। MgO+H2O करेंगे तो ये भी हमारा Mg+H2O ये भी निगेटिव होगा, और HCl+HCl करेंगे NH4Cl ये भी हमारा निगेटिव एंट्रोपी होगा, यानी एंट्रोपी ऑफ गैस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, इन ऑप्शन सी सॉलिड इज कन्वर्टेड इन टू गैसेज फेज सो इट इज़ पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी ऑफ गैस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा ऊपर लिक्विड होगा उसके बाद सॉलिड होगा। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पे। ओके 15 हमने देख लिया था, ओके अब आते हैं 16 पे। 16 का इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटेन अगेंस्ट इट? आंसर हमारा बी होगा, सबसे ज़्यादा SbS3 ये हमारा इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ जो है नॉट स्ट्री, तो हमारा ये है SbS3 AS3 उसके बाद PS3 उसके बाद सबसे कम है NH3, हमारा गलत है। बाकी जो सही है वो हम देख लेते हैं, जो इंक्रीजिंग SD कंट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा HI का होगा, उसके बाद BR का होगा, उसके बाद HCl का सबसे कम होगा HF का, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद सी देखते हैं, वो है इंक्रीजिंग फर्स्ट और एनर्जन एथैल्पी, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है, तब ऑक्सीजन का है, तब कार्बन का, तब बोरोन का, और डी कह रहा है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो सबसे ज़्यादा PbO2 का, उसके बाद SnO2 का, देन SiO2, देन सबसे लास्ट में जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर वो है CO2 का है। ठीक है एक्सप्रेशन देख लेते हैं, द करेक्ट ऑर्डर स्ट्रेंथ है बेसिक स्ट्रेंथ इज एज फॉलो, सबसे ज़्यादा जो एसिडी का स्ट्रेंथ है NH3 का है, देन PS3 का है, उसके बाद AS3 का, उसके बाद SpS3 का है, और रेस्ट ऑल आर द करेक्ट है हियर। क्वेश्चन नंबर हम 17 में आते हैं, इन कंटेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? तो हमारा आंसर जो ए है वो है इनकरेक्ट, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रांजिशन मेटल्स शो बेसिक कैरेक्टर एंड फॉर्म कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये गलत है। बाकी बी सी डी जो हमारा सही है एक बार रीड कर लेते हैं, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कैंडियम टू MN ऑल द 4s and 3s इलेक्ट्रॉन्स आर यूज फॉर बॉन्डिंग, सी कह रहा है वंस द D5 कॉन्फिगरेशन इज एक्सीडेड द टेंडेंसी टू इन्वॉल्व ऑल द 3d इलेक्ट्रॉन्स इज इन बॉन्डिंग, क्या हो रहा है इन डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो शोन बाई दीज एलिमेंट्स इन कॉम्प्लेक्स। ओके अब आते क्वेश्चन नंबर 18 पे, नोइंग दैट द केमिस्ट्री ऑफ लेंथ एंड वाइड्स एलियन इज डोमिनेटेड बाई इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, हमारा जो बी है वो LN3 कंपाउंड फॉर जनरली कलरलेस, ये हमारा गलत है। बाकी ए सी और डी जो है सही है, एक बार रीड कर लेते हैं, द आयनिक साइज ऑफ LN3 डिक्रीजेज इन जनरल विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सी कह रहा है LN3 हाइड्रोक्साइड्स आर मेनली बेसिक इन कैरेक्टर, और डी कह रहा है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ द LN3 आयंस द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड इज प्री डोमिनेंटली आयनिक कैरेक्टर, ये बिल्कुल सही है।
एलन थ्री कंपाउंड्स आर मोस्टली कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इफ एफई ट्रांजिशन इफ एफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आर पॉसिबल होते हैं, इसीलिए कलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द ब्राउन कलर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O4 जो गैस है वो जो 2N2O दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज वुड रिजल्ट इन अ डार्कनिंग ऑफ द कलर। आंसर हमारा हो जाएगा ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, देख लेते हैं इस प्रश्न क्या कह रहा है। N2O4 जो गैस जो है 2NO2 बना रहा है। हियर ब्राउन कलर इज फॉर्म्ड ड्यू टू NO2 गैस। डार्कनिंग ऑफ कलर इज पॉसिबल व्हेन मोर NO2 इज फॉर्म्ड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द राइट साइड एज इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। आंसर हमारा हो जाएगा सी, CoEn होल्ट वाइस NH3 होल्ट वाइस 3+। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये हमारा है इट इज एन हाइड्रोकार्बन कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ A2 Ma2H2 एंड कैपेबल ऑफ शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एज इन रेस्ट अदर्स देयर इज सिमेट्री सो नो ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। ओके, NCERT का ये फिगर है और ये क्वेश्चन भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अ लिक्विड वाज मिक्सड विथ इथेनॉल एंड अ ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 वाज एडेड। अ कंपाउंड विथ अ फ्रूटी स्मेल वाज फॉर्म्ड। दिस लिक्विड वाज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हमारा सी होगा, एसिटिक एसिड होगा। हियर एसिडिफिकेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व टू गिव इथाइल एसिटेट विच वाज फ्रूटी स्मेल। CH3CWH जो है C2H5 के साथ CH3CWH C2H5 बनाएगा प्लस H2O देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट वन वुड बी। रीडबर्ग जो क्वेश्चन है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर पर मीटर होगा। आंसर हमारा डी होगा, 91 नैनोमीटर। और ये हमारा फॉर्मूला जो होता है 1 बाई लेमडा जो न्यू हाइड्रोजन का है वो हमारा न्यू बार जो हाइड्रोजन का है वो हमारा RH × 1 / N₁² - 1 / N₂² से हम बना सकते हैं। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मतलब कि हम केमिस्ट्री में 45 में से आधा क्वेश्चन टोटल आधा हाफ पार्ट तक आ चुके हैं। हाफ पार्ट और बचे हुए हैं केमिस्ट्री में, उसके बाद देखेंगे फिजिक्स। वीडियो को जरूर लाइक करते रहना, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज। ओके, आते हैं 23 पे। द बॉन्ड ऑर्डर इन NO इज 2.5 व्हाइल दैट इन NO+ इज 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर दिस ट्रू स्पीसीज। आंसर होगा सी, बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर दैन इन NO+ होगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इन NO+ इक्वल टू 3, NO = 2.5 होगा। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो हम कंपेरिजन करेंगे तो NO का जो होगा सबसे ज़्यादा और NO+ से। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। किसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है? होता है हमारा आंसर ए, BF4-। और हमारा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विथ SP3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम विथ 4 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड विदाउट एनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हियर BF4- इज टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर एज इट हैज 4 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द शेप्स ऑफ SF4 NiCN4 होल्ड 2- एंड XCF4 आर सीसॉ स्क्वायर प्लानर एंड स्क्वायर प्लानर रिस्पेक्टिवली। ओके, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज लेमडा नॉट फोर NaCl KBr एंड KCl आर 126 152 एंड 150 cm² पर मोल रिस्पेक्टिवली। देन लेमडा नॉट क्या होगा फोर NaBr के लिए? तो बहुत क्वेश्चन इजी है, आंसर हमारा सी होगा। यहाँ पे इस प्रश्न देख लेते हैं। बाय कोलरॉक्स लॉग हमारा होता है लेमडा नॉट NaBr जो है लेमडा नॉट NaCl प्लस लेमडा नॉट KBr करेंगे और माइनस कर देंगे लेमडा नॉट KCl से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 128। बाकी सारा सबका वैल्यू दिया रहा हुआ है, बस पुट करके निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। फ्यूचर ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल एग्जिबिट सब्लिमेशन। आंसर हमारा डी होगा, कैम्फर जिसे कपूर बोलते हैं। तो
हम देख लेते हैं किस में होता है सब्लिमेशन जो होता है ऑन हीटिंग सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जो इथाइल अल्कोहल जो है आंसर है वैक्स है, और कैम्फर जो है लिक्विड से वेपर होता है, वैक्स जो होता है सॉलिड से लिक्विड होता है, और कैम्फर जो है वो सॉलिड टू वेपर होता है। ये सारे ऑप्शंस में कंपेरिजन बताया गया है। ओके क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीलियम इज इनकरेक्ट, आंसर हमारा ए हो जाएगा। इट इज यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैगनेट्स, यानी ये इनकरेक्ट है। बाकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। ये जो है हमारा हीलियम के लिए रिगार्डिंग है, इट इज यूज टू फिल गैस बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज लाइटर एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। सी कह रहा है इट इज यूज एज अ क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स एट लो टेम्परेचर्स, ये भी सही है। और डी कह रहा है इट इज यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये भी सही है। यानी बी सी डी सही होगा और यही जो है इनकरेक्ट ऑप्शन सही है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। हीलियम इज नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, ऑल अदर्स आर यूज्ड एज हीलियम। ये क्वेश्चन जो है ये भी रिपीट कर चुका है एनटीए मॉक टेस्ट में। कौन से टेस्ट में जो है ये रिपीट कर चुका है टेस्ट में, अगर आप दिए हैं तो आप ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब 28 पे आते हैं। वन मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड ऑन द रिएक्शन विथ एंड एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स, आंसर हमारा ए होगा। टू मोल्स ऑफ अमोनिया, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Ca3N2 को अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो CaOH ट्वाइस बनाएगा प्लस 2N3 बनाएगा। वन मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स टू मोल्स ऑफ अमोनिया एंड थ्री मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द EM3 प्लस गिव्स Mn3 प्लस कमर्टी टू M2 प्लस वैल्यूज ऑफ क्रोमियम मैगनीज Fe और कोबाल्ट का दिया हुआ है यहाँ वैल्यू। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग दीज मेटल्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 से +3 किसका इजियर होगा, यानी कौन सा जो है इजिली ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो सबसे जो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है। हमारा आंसर जो है ए है, यानी क्रोमियम का -0.41 है, यानी इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये हमारा यहाँ देख लेते हैं। रिड्यूसिंग नेचर और टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -E0 रिडक्शन एज मोर जो होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 रिडक्शन इंडिकेट्स बेटर रिड्यूसिंग एजेंट प्लस इजिली ऑक्सीडाइज। सो ऑक्सीडेशन ऑफ Ca2+ to Ca3+ इज द इजीएस्ट। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ दिज मेटल्स इज एज फॉलोज, सबसे ज़्यादा क्रोमियम का, देन Fe का, देन Mn का, देन CO का। यहाँ पे रिडक्शन प्रोड्यूस हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कह रहा है, यहाँ पे पॉलीमर दिया हुआ उसका मोनोमर बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फटाफट मैच कर लेते हैं। तो हमारा जो नायलोन 6 है फर्स्ट का, उसका आंसर बी होगा, यानी कैप्रोलैक्टम होता है इसका मोनोमर। सेकंड कह रहा है नायलोन 6 कह रहा है, ठीक है। पहला का नायलोन 6 था, सेकंड कह रहा है नायलोन 6 जो उसका आंसर होगा सी, मतलब कि होता है हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन एंड एडीपिक एसिड। और थर्ड का कह रहा है पॉलीथीन का जो होता है वो इथीन होता है, पॉलीथीन इथीन। इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, एनसीईआरटी का सारा दिया हुआ है डेटा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। वेरी फ्यू हाइड्रोजन 99.9% कैन बी मेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, आंसर होगा बी, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स विथ वाटर। ओके अब आते हैं एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मेटल हाइड्राइड्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव प्योर हाइड्रोजन, MH विथ वाटर MOH +H2 दे रहा है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन 32 पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज वुड द pH वैल्यू ऑफ aqueous अमोनिया बी अफेक्टेड बाई डिजॉल्विंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इन इट, आंसर हमारा ए हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। pH ऑफ aqueous NH3 डिक्रीज बाई डिजॉल्विंग सॉलिड NH4 सेल ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, हमारा यहाँ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके अब आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। वन गैस ब्लीचेज द कलर ऑफ फ्लावर्स बाय रिडक्शन व्हाइल द अदर्स बाय ऑक्सीडेशन, कौन जो है वो रिडक्शन से करता है, अदर जो है ऑक्सीडेशन से करता है। SO2 जो है वो बाय रिडक्शन से करता है, और जो Cl2 जो है हमारा ऑक्सीडेशन से करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है इनऑर्गेनिक का। SO2 ब्लीचेज फ्लावर्स बाय रिडक्शन,
ये हमारा रिएक्शन रहा, एस ओ टू प्लस टू एच टू गिव्स एच टू एस ओ फोर प्लस टू एच, और सी एल टू जो ब्लीच कर रहा है यहाँ पे फ्लास बाय ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे सी एल टू प्लस टू एच टू टू एच सी एल प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, और यहाँ पे जो है हमारा क्या यहाँ पे सी एस ओ टू में हमारा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे सी एल टू में जो है नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो ये एस ओ टू करेगा रिएक्शन और जो हमारा सी एल टू करेगा ऑक्सीडेशन करेगा। बाद में फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ मॉलिकुलर डायमेंशन। ऐसा हमारा ए हो जाएगा डायलिसिस। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले मॉक टेस्ट में, कमेंट में जरूर बताना किस टेस्ट का है। फॉर सेपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ मॉलिकुलर डायमेंशन डायलिसिस इज यूज्ड, इन डायलिसिस पर्चमेंट पेपर डायलिसिस बैग इज यूज्ड व्हिच फिल्टर्स द पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिकुलर डायमेंशंस एंड ओनली कोलोइडल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट फिल्टर इन फिल्ट्रेट। देते हैं 35 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। आंसर हमारा ए होगा विक्टर मेयर टेस्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स एज दे गिव डिफरेंट कलर्स ड्यूरिंग दिस टेस्ट। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स ब्लू कलर एंड टर्शरी अल्कोहल गिव्स नो कलर व्हेन द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे है तो हम लोग मैच कर लेते हैं। वन का जो है राइबोफ्लेविन जो है वो सी होगा, यानी कि ग्लोसाइटिस होगा। ओके, सेकंड जो कह रहा है वो ए होगा, यानी थायमिन का जो होगा वो बेरी बेरी होगा। थर्ड जो है वो पैरिडॉक्सिन जो है वो डी होगा, यानी डर्मेटाइटिस। और फोर जो है वो स्कॉर्बिक एसिड है, उसका बी होगा, यानी स्कर्बी होगा। ओके, ये हमने देख लिया है, राइबोफ्लेविन को बी टू भी बोलते हैं, थायमिन को बी वन बोलते हैं, पैरिडॉक्सिन को विटामिन बी सिक्स बोलते हैं, और स्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमेराइज टू फॉर्म द पॉलिस्टर डाइक्रोन। तो हमारा आंसर है सी, ट्रिप्थैलिक एसिड एंड इथैलिन ग्लाइकोल। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा जरूरत है नहीं। डाइक्रोन और टेरिलोन इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथैलिन ग्लाइकोल एंड ट्रिप्थैलिक एसिड एट 420 to 460 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिडेट एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड C2H3CH3। ओके, यहाँ पे जो है HGSO4H2SO5 का साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ओके, एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। हियर रिएक्शन सीक्वेंस इज एज फॉलोज एंड वाई इज 2,3-dimethyl-2-ene। यहाँ पे जो रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर ये बन रहा है CH3CH3CHO CH3, उसके बाद हम CH2H5MgBrH2 से कर रहे हैं, CONH2SO4 और हीट के साथ कर रहे हैं, तो हमारा ये कंपाउंड बना। उसके बाद जब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमारा फाइनली ये कंपाउंड बन जा रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे, द करेक्ट मैच। ये भी यहाँ पे करेक्ट मैच है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख के बना लेते हैं, करेक्ट मैच कर लेते हैं। तो कह रहा है कि क्लोरोजाइनोलोन जो है वो होगा आर, यानी कि फेरी क्लोराइड टेस्ट में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो टू का जो होगा एस होगा, नॉर एथिंड्रोन जो है वो एस होगा, मतलब कि बेयर टेस्ट में यूज करते हैं। और थ्री जो है यानी सल्फा पैरिडीन जो है वो उसका पी होगा, यानी कार्बाइल अमाइन टेस्ट होगा। और जो फोर जो है पेनिसिलिन, उसका हो जाएगा क्यू, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट होगा। ओके, इसमें स्पेशल की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो विल बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी होगा, NaNO2 और एक्वस HCl से ले रहे हैं 0.025 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेशल देख लेते हैं, ये जो है हमारा NaNO2 के साथ ही हमारा बना रहा कंपाउंड। और ये रहा एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे जो है NaNO2 से करें तो डाई जो निमाइन बना रहा है यहाँ पे, उसके बाद H2O से हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या होगा। RC ट्रिपल बॉन्ड N AlH जो है आइसो
ब्यूटीन से यहाँ बना रहा है, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल जो है टू जो है H2 है, यहाँ पे हमारा जो ये आ रहा है आंसर, यहाँ देख लेते एक्सप्रेशन, हियर एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज फॉलोज, आर सी ट्रिपल बॉन्ड, एन से साथ कर रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो यहाँ पे आर सी एच डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH हो जाएगा, यहाँ पे हो जा रहा है रिडक्शन, उसके बाद H2O करेंगे आर सी एच डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा। ओके, गटरमैन कोच रिएक्शन का ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय गटरमैन कोच रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 पे, मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है और HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करा रहे हैं 50% NOH और H3O प्लस से, तो हमारा यहाँ आंसर यहाँ डी आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है वो HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड और CH2OH यानी कि जो बेंजल्डिहाइड हो अल्कोहल में फॉर्म हो जा रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ए एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव कैनिजारो रिएक्शन, बी कह रहा है दिस इज अ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन सो मोर रिएक्टिव जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड लेस रिएक्टिव इंक्रोड्यूस, और सी जो कह रहा है वो है HCHO एक्ट एज हाइड्राइड डोनर की जैसे काम कर रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन विथ O2 फॉलोड बाई ट्रीटमेंट विथ डायलूट H2SO4R, आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी फेनॉल प्लस CH3 एक्सप्रेशन देख लेते हैं, क्यूमीन हाइपरऑक्साइड रिएक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूमीन को अगर O2 से हीट कर रहे हैं तो क्यूमीन हाइपर हाइड्रो पेरोक्साइड बन जा रहा है, उसके बाद अगर डायलूट H2SO4 से हीट कर रहे हैं तो दिस इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या होगा। ओके, ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ओके कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन H2SO4 और हीट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जा रहा है डी। ओके, अब आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, दिस रिएक्शन अकर्स बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म दिया हुआ है लंबा चौड़ा टोटोमेरिज्म भी यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, SN1 सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्केन हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, फटाफट देखते हैं, CH3CH2COH यहाँ pH है और CH2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, किससे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, HCHO प्लस PHCH, CH3CH2MgX से नहीं कर सकते हैं। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, जो HCHO प्लस RMgX करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, RCHO प्लस R-MgX करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, RCOR- और R-MgX बनाएगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, सो एज प्रोडक्ट जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है, सो HCHO जो है कैनोट यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं फिजिक्स पे, वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर ये शेयर करना। ओके, दिस विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं फिजिक्स का, एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाई मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स विल बी गिवन इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर हमारा डी हो जाएगा 10। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, इफ एन इज द वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी करते हैं तो -13.6 वोल्ट हो जाएगा, उसको जब फाइनल एनर्जी करेंगे तो -13.6 प्लस 13.056 इक्वल टू -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब हम कह रहा है कि इफ एन बी द वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट देन हम यहाँ पर जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -13.6 बाई एन स्क्वायर से करेंगे तो -0.44 से इक्वाइट कर देंगे तो एन का वैल्यू जो हमारा 5 आ जाएगा। नाउ द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल जो लाइन है वहाँ एन का वैल्यू आ चुका है तो हम एन इन इंटू एन माइनस वन बाई टू से अगर पुट करेंगे एन का वैल्यू 5 तो हमारा 10 लाइन्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 125 इज 1.5 फॉर मी देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 64 क्या होगा, आंसर हमारा डी है 1.2 फॉर मी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बाई रदर फोर्स एक्सपेरिमेंट R1 इक्वल टू R0 A1 1 बाई 3 यानी फर्स्ट, R2 इक्वल टू R0 A
ए टू 1/3 सेकेंड, गिवन आर वन इक्वल टू 1.5 फर्मी, ए वन इक्वल टू 1.25 और ए टू इक्वल टू 64। नाउ आर वन बाई आर टू इक्वल टू एन बाई ए टू का 1/3 फ्रॉम द इक्वेशन 1 और 2। हम यहाँ पे आर टू का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ मैन ऑफ 80 kg अटैम्प्ट टू जम्प फ्रॉम अ स्मॉल बोट ऑफ मास 40 kg ऑन द शोर, ओके। ही कैन जनरेट अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 6 m/s बिटवीन हिमसेल्फ एंड द बोट, हिज वेलोसिटी टुवार्ड्स एंड शोर इज, क्या होगा आंसर? सी होगा, 2 m/s होगा। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ बोट बी वी अपोजिट टू द मैन बाई मोमेंटम कंजर्वेशन -40 v + 80 × 6 - v करेंगे, 0 इक्वेट करेंगे तो हमारा वी इक्वल टू 4 m/s हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी हो तो मैन जो हो जाएगा रिलेटिव है, तो 4 - 6 - 4 करेंगे तो हमारा 2 m/s आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ बॉडी मूविंग विथ अ स्मॉल सॉरी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स 40 m इन द फर्स्ट 5 सेकेंड एंड 70 m इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ऐसे हमारा सी हो जाएगा, 5 m/s। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एस वन इक्वल टू 40 m दिया हुआ है, एस टू इक्वल टू 20 m दिया हुआ है, डेल्टा टी वन इक्वल टू 5 सेकेंड और डेल्टा टू इक्वल टू 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो हमारा हमारा एस इक्वल टू ई टू प्लस हाफ ए टू को हमें पुट करेंगे दोनों के लिए, और दोनों का बराबर यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, दोनों का बराबर जो है वो 40 m दोनों हो रहा है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे तो हमारा ई इक्वल टू फिर एस इक्वल टू टू प्लस हाफ एट को अगर पुट करेंगे तो हमारा आंसर हमारा जो है ई इक्वल टू 5 m/s आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ रोड ऑफ 10 m विड्थ हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 m, इट्स आउटर एज इज रेज्ड अबव द इनर एज बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 m, द रोड इज मोस्ट सूटेड फॉर व्हीकल मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, आंसर हमारा ए हो जाएगा 8.5 m/s। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा अंडर रूट इक्वल टू आर जी एच बाई बी हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 8.5 m/s आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी या वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन इज 5500, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? हमारा आंसर ए होगा 5499। और ए जो है हमारा क्वेश्चन आ चुका है पिछले एनटीए मॉक टेस्ट में, किसमें आया हुआ है आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ओके। द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय म्यू आर इक्वल टू 1 + इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, याद था भूल गए, 1 + x अभी रखते हैं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे इसको क्या बोलते हैं जरूर अपना कमेंट बॉक्स में बताना, थोड़ा भूल गया हूँ मैं, ओके। ये कुछ बोलते हैं भूल रहा हूँ मैं, ओके आप बताना जरूर कमेंट में। अच्छा आ जाते हैं आगे ऑप्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हम देखते हैं। इन अ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर बहुत है लगभग हर टेस्ट में पोटेंशियोमीटर आ चुका है, तो अ यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 0.8 V/m इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट्स 10 m वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑन द वायर लोकेटेड एट 65 cm 2.45 m इज, आंसर हमारा ए होगा 1.44 V होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेंथ जो है वायर का 10 m दिया हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो भी दिया हुआ है 0.8, लेंथ L2 भी दिया हुआ है L1 L2 दोनों। उसके बाद हम अगर डेल एल करेंगे यहाँ पे L1 L2 होगा, L2 L2 में स्प्रिंट है, तो उसके बाद डेल भी निकालेंगे और ये फॉर्मूला अगर पुट करेंगे डेल भी इक्वल टू K × डेल एल तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अगर करेंगे V V - V है तो हमारा आंसर 1.44 V आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल केबल ऑफ कॉपर हैज़ जस्ट वन वायर ऑफ रेडियस 9 mm एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ohm, दिस सिंगल कॉपर वायर ऑफ केबल इज रिप्लेस्ड बाई 6 different वेल इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ईच ऑफ रेडियस 3 mm, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ केबल विल नाउ बी इक्वल टू, आंसर हमारा ए हो जाएगा 7.5 ohm। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r² रेडियस जो है 9 mm टू 3 mm हो जा रहा है, तो रेजिस्टेंस हमारा 5 ohm टू 45 ohm हो जाएगा क्योंकि आर इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, तो रिजल्ट ऑफ 6 पैरेलल वायर्स हमारा हो जाएगा 45/6 यानी कि 7.5 ohm हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू अ सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा 0। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। फाई इक्वल टू बी डॉट ए होगा, द एरिया वेक्टर
इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, सो वेन द सर्फेस इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड द एंगल बिटवीन बी एंड ए इज क्या होगा 90 डिग्री होगा, सो फाई इक्वल टू जीरो। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। द सर्फेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इन द एयर इज 26.5 माइक्रोकुलम मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, देन द आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द चार्ज कंडक्टर क्या होगा यूनिट इक्वल टू 8.85 × 10⁻²⁰ हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर डी हो जाएगा 39.7। तो सिग्मा का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा 26.5 माइक्रोकुलम मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है, तो डी एफ बाई डी एस हम लोग निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट से निकालेंगे, तो डी एफ बाई डी एस का यहाँ सारा वैल्यू पुट करेंगे, के का वैल्यू 1 होता है एयर के लिए, तो यहाँ हमारा 39.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी वी नॉट इन द ओरिजन बिटवीन द हॉरिजेंटल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन इट लीव्स बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल एज शोन, इफ थीटा इक्वल टू थीटा 1 इज 4 प्रोटॉन एंड थीटा इक्वल टू थीटा 2 4 एन अल्फा पार्टिकल, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा 1 बाय टेन थीटा 2 क्या होगा। ओके तो ये हमारा फिगर है। ओके अब हम इसका आंसर जो है वो सी है यानी 2। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, टेन थीटा जो होता है वो वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा क्यू बाई एम होगा, उसके बाद अगर वैल्यू पुट करेंगे टेन थीटा 1 बाई टेन थीटा 2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। द हाइट अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट विच द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स जी वाई 9, वेयर जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ आर, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, आंसर हमारा ए होगा 2r। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, जी डैश इक्वल टू जो होता है जी एम बाई आर प्लस एच, एक मिनट। ओके फाइन, तो यहाँ पे जो जी डैश का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर करेंगे एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एट हाइट का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे वैल्यू सारा पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2r इक्वल टू एच आ जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विथ अ स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, द हाइट ऑफ द सेटेलाइट अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्या होगा, तो आंसर जो हमारा होगा ए यानी कि आर। यहाँ पे जो होता फार्मूला वी ओ इक्वल टू वी बाई टू होता है, यानी कि 1/2 वी बाई टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है 1/2 जी एम इन टू जी 2gm/r इक्वल टू gm/2r हो जाएगा अगर इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो हमारा h इक्वल टू r आ जाता है। फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी वी एम, फ्रीक्वेंसी न्यू एम बोल देंगे इसको, कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी इमिटेड बाई अ ब्लैक बॉडी इज ए मैक्सिमम मे वेरी विथ टेम्परेचर टी ऑफ द बॉडी एज सोन इन द फिगर, द कर्व रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट वेरिएशन इज, आंसर हमारा ए होगा। देख लेते एक्सप्लेनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ लेमडा एम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है, सी बाई न्यू एम करेंगे यानी कि सी बाई न्यू एम यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बाई फ्रिक्वेंसी यानी कि लेमडा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/T हो जाएगा, तो न्यू एम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा, हेंस कर्व ए जो रिप्रेजेंट करता है करेक्ट वेरिएशन को। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ क्लॉक विच कीप्स करेक्ट टाइम एट 25 डिग्री सेल्सियस हैज अ पेंडुलम मेड ऑफ ब्रास, द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ फॉर ब्रास इज 0.4 × 0.19 °C पर डिग्री सेल्सियस, हाउ मेनी सेकेंड्स अ डे विल इट गेन इफ द एम्बियंट टेम्परेचर फॉल्स टू 0 °C, आंसर हमारा ए हो जाएगा 20.52 सेकेंड। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। लेट ए नॉट एल नॉट एंड एल 25 बी द लेंथ ऑफ पेंडुलम एट 0 °C एंड 25 °C रिस्पेक्टिवली, वी नो दैट एल 25 इक्वल टू एल नॉट 1 + अल्फा टी से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद टी का वैल्यू निकालेंगे, टी इक्वल टू 2π√L/g, तो यहाँ एल का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और मेथड ऑफ एरर से हम लोग जानते हैं डेल्टा टी बाई टी जो होता है 1/2 डेल्टा एल बाई एल होगा क्योंकि यहाँ पे रूट में है,
तो यहाँ पे हियर डेल्टा टी जो हो जाएगा गेन इन टाइम क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टाइम टोटल टाइम ऑफ डे इक्वल टू 24 इंटू 16 इंटू 60 हो जाएगा, और डेल्टा टी अगर यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा 20.52 सेकेंड आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे, द टेम्परेचर ऑफ 5 मोल्स ऑफ गैस विच वॉज हेल्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वॉज से चेंज फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वॉज फाउंड टू बी 80 जूल, द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा 4 जूल पर केल्विन। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द इंटरनल एनर्जी विल बी यूटिलाइज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस, दैट इज डेल क्यू जो होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वो म्यू सी वी डेल्टा टी होगा, यहाँ पे अगर पुट करेंगे टाइम का दोनों तो यहाँ पे हमारा म्यू सी वी जो हो जाएगा 4 जूल पर केल्विन हो जाएगा। आधे क्वेश्चन नंबर 17 पे, टू सर्कुलर कॉयल्स माउंटेड पैरेलल टू ईच अदर ऑन द सेम एक्सिस कैरी स्टेडी करेंट्स, इफ एन ऑब्जर्वर बिटवीन द क्वाइल्स रिपोर्ट्स दैट वन क्वाइल इज कैरिंग अ क्लॉक वाइज करेंट आई वन व्हाइल द अदर इज कैरिंग अ काउंटर क्लॉक वाइज करेंट आई टू, देन द टू क्वाइल्स एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, स्टेडी अट्रैक्टिव फोर्स करेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द क्वाइल कैरिंग अ करेंट आई इन क्लॉक वाइज सेंस क्वाइल हैज साउथ पोलरिटी ऑन द फेस ऑफ क्वाइल एंड अदर क्वाइल हैविंग करेंट आई टू इन काउंटर क्लॉक वाइज सेंस हैज नॉर्थ पोलरिटी ऑन दैट फेस ऑफ द क्वाइल, एज साउथ एंड नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट इच अदर हेंस द स्टेडी अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू क्वाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली टू द राइट, अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करेंट इज सपोर्टेड पैरेलल टू इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम एंड अबव इट, इफ द करेंट इन द कंडक्टर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, आंसर हमारा डी हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल बी पुल्ड डाउनवर्ड्स होगा। इसमें देख लेते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ लीनियर कंडक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट अ पॉइंट बिलो द कंडक्टर इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली अपवर्ड्स, द इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल कॉज द करेंट राइट टू लेफ्ट, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स हैंड्स रूल जो होता है उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स इच, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 3.6 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, स्पीड डाउन स्ट्रीम जो होगा वो ऐड कर देंगे 15 प्लस 3 यानी 18, और डिस्टेंस ट्रैवल अगर निकालेंगे तो 18 × 12/60 किलोमीटर करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 3.6 किलोमीटर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ टैंक हैविंग वाटर, इफ टोटल प्रेशर एट द बॉटम इज 3 atm, 1 atm जो होता है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, देन वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द होल क्या होगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा √6 मीटर पर सेकेंड। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज गिवेन बाय पी इक्वल टू एच रो जी इक्वल टू 3 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर इज गिवेन बाय वी इक्वल टू √2gh, तो यहाँ पर अगर वी अगर करेंगे तो 2p/ρ हो जाएगा, उसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो √600 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एन आयरन नेल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच फ्रॉम द लेवल ऑफ अ सैंड बेड, इफ इट पेनिट्रेट्स थ्रू अ डिस्टेंस एक्स इन द सैंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट देन द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाई द सैंड ऑन द नेल क्या होगा, आंसर हमारा ए होगा, mg × h/x+1 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द नेल हैज फॉलन थ्रू अ टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ h+x, हेंस लॉस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg × h+x, इफ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स एग्जर्टेड बाई सैंड ऑन द नेल इज एफ द वर्क देन द वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा w = −fx, फोर इक्विलिब्रियम mg × h+x = fx और f = mg × h+x/x mg × h/x+1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 22 नंबर, अ सैंपल ऑफ I-51-131 एज आयोडीन आयन वाज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इन अ कैरियर कंसिस्टिंग ऑफ 0.10 mg ऑफ स्टेबल आयोडीन आयन, आफ्टर 4 डेज 67.7% ऑफ इनिशियल रेडियोएक्टिविटी वाज डिटेक्टेड इन द थायरॉइड ग्लैंड ऑफ द पेशेंट, द परसेंटेज ऑफ स्टेबल आयन दैट
हैड माइग्रेटेड टू द थायराइड ग्लैंड इफ T1 T½ आयोडाइड आयन क्या हो जाएगा इन 8 डेज, क्या होगा आंसर होगा बी 95.7%। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, लेट अस द टेक XMG आयोडीन माइग्रेटेड टू द थायराइड ग्लैंड इफ ए इज द एक्टिविटी ऑफ कंप्लीट सैंपल ऑफ मास m, देन एक्टिविटी ऑफ x इज गिवेन बाई ax इक्वल टू a बाई m इंटू x, x इज 67.7% ऑफ द इनिशियल टोटल सैंपल एट t इक्वल टू 4 डेज, x इक्वल टू 67.7 बाई 100 a नॉट इन एंड a इक्वल टू a नॉट बाई 2 टू द पावर t बाई t, t इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम। सो यूजिंग अबाउट इक्वेशन 67.7 बाई 100 ए नॉट इक्वल टू ए नॉट बाई 2 टू पावर 4 बाई 8 एक्स बाई एम, एक्स एम इंटू 100 इक्वल टू 67.7 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू 95.7% हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 पे, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवेन बाई एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट मीन पोजिशन, ये आंसर हमारा डी होगा एक्स नॉट ओमेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसलिए एक्स इक्वल टू हमारा जाएगा एक्स नॉट कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो है डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा एक्स नॉट साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा, सो द स्पीड एट मीन पोजिशन इज वी नॉट इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 नंबर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 3.0 मेगाहर्ट्ज़ पासेस फ्रॉम अ वैक्यूम इनटू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ परमिटिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू 4.0, देन आंसर हमारा जो सी हो जाएगा, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी जो होगा वह रिमेंस अनचेंज हो जाएगा। यह हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड वेवलेंथ चेंजेज, म्यू इक्वल टू जो होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 4 करेंगे यानी 2 आ जाएगा, यानी कि म्यू इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा होता है, इसलिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, हेंस ऑप्शन वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेंस अनचेंज्ड होल्ड्स गुड। ओके अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग आ गए हैं 45 फिजिक्स में से टोटल हम लोग आ गए हैं 20.5 से ज़्यादा आ चुके हैं, फटाफट देखते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर जरूर करना। ओके तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अ टैंक ऑफ हाइट h इज फुल्ली फिल्ड विथ वाटर इफ द वाटर रशिंग फ्रॉम अ होल मेड इन द टैंक बिलो द फ्री सरफेस स्ट्राइक्स द फ्लोर एट अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देन द डेप्थ ऑफ द होल फ्रॉम द फ्री सरफेस मस्ट बी, आंसर हमारा डी होगा 1/2h। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एज होल इज मेड इन द टैंक बिलो द फ्री सर्फेस वाटर, सो वाटर रशिंग फ्रॉम द दिस होल फॉलो द पैराबोलिक पाथ, द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स लिक्विड हमारा भी इक्वल टू अंडर टू जी एच हो जाएगा, और यहाँ पर टी का वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 × h कैपिटल h माइनस h बाई जी होता है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगा हमारा r इक्वल टू वी इंटू टी करेंगे, ये हमारा आगे पुट करेंगे अगर वैल्यू तो हमारा जो h जो है h बाई 2 आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन और ये क्या बोलते हैं फ्लूड मैकेनिक्स दोनों का मिला कर ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, द गॉज प्रेशर इन बोथ द टायर्स ऑफ अ बाइसाइकिल 6.9 × 10⁵ पास्कल इफ द बाइसाइकिल एंड द पर्सन राइडिंग इट हैव अ कंबाइंड मास ऑफ 90 kg, व्हाट इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टायर विद द ग्राउंड, ऐसा हमारा ए होगा 6.3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लेट ए बी द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ईच टायर विद द ग्राउंड व्हेन द पर्सन राइड्स द बाइसिकल, देन प्रेशर एग्जर्टेड बाई द पर्सन ऑन द ईच टायर क्या होगा, पी इक्वल टू वेट ऑफ द पर्सन एंड बाइसिकल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू टायर्स। तो हमारा जो हो जाएगा प्रेशर जो होगा mg/2a हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 441/a आ जाएगा, सिंस द गॉज प्रेशर इन बोथ द टायर्स ऑफ बाइसिकल इज 6.9 × 10⁵ पास्कल, वी हैव जो है 4.441/a इक्वल टू हमारा दिया हुआ 6.9 × 10⁵ पास्कल दिया हुआ, दोनों की इक्वेट कर देंगे तो हमारा ए जो है एरिया जो है वो 6.3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, अरे पी क्यू
shown in the figure suffers minimum deviation in an equilateral prism A. Two more identical prisms B and C and of the same material as A are now placed in contact as shown in the figure. If prism A produces a minimum deviation lambda m, the deviation produced by the combination of prism A, B and C will be. आंसर हमारा आ जाएगा सी लेमडा एम. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे कह रहा है कि द रे पी की विल अंडरगो मिनिमम डिविजन इन प्रिज्म ए इफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट ऑन ए इज सच दैट द रिफ्रैक्टेड रे इज ए इज पैरेलल टू इट्स बेस सिंस प्रिज्म बी एंड सी आर आइडेंटिकल टू ए एंड आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल्स एज ए द रिफ्रैक्टेड रे इज ए रिफ्रैक्टेड रे इन ए सफर्स नो फर्दर डिविजन बाई प्रिज्म बी एंड सी. Hence, the emergent ray from prism C will suffer the same deviation as that produced by prism A. Hence, the correct choice जो होगा वो 3 हो जाएगा. Okay, अब आते हैं question number 28 पे. The red light of wavelength 6400 angstrom in the air has a wavelength of 4000 angstrom in glass. If the wavelength of violet light is in air is 4400 angstrom, then wavelength in the glass क्या होगा. आंसर बी हो जाएगा 2750 angstrom. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. म्यू जी इक्वल टू लेमडा आर इंटू एयर बाई लेमडा आर इंटू एयर बाई लेमडा आर इंटू एयर हो जाएगा. एक मिनट, एक एयर में है और एक हमारा ग्लास में है, तो यहाँ पे एक ग्लास होना चाहिए. ऊपर हो जाएगा एयर, नीचे हो जाएगा ग्लास, तो हमारा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे दोनों का, तो हमारा ये जो है आंसर जो हो जाएगा ग्लास का 2750 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं फटाफट. टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. एन इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 m/s टू द हेवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर ब्लॉक. द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज क्या होगा. आंसर हमारा सी हो जाएगा 10 m/s. एक्सप्रेशन देख लेते हैं. वी सी एम इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बाई एम वन प्लस एम टू. यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करेंगे सारा का सेंटर ऑफ मास का, तो हमारा आंसर रहेगा 10 m/s. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे. 30 कह रहा है द 1/4 सेक्शन इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस कैपिटल आर. दिस सेक्शन हैज अ मास कैपिटल एम. इट इज मेड टू रोटेट अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा. आंसर हमारा होगा ए हाफ एम आर स्क्वायर ही होगा. कट करने पर फर्क नहीं पड़ता है. मास ऑफ द होल डिस्क जो होता है 4m होगा. मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द डिस्क अबाउट द गिवन एक्सिस जो होगा हाफ 4m इंटू आर स्क्वायर यानी 2m². इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ क्वार्टर सेक्शन जो होगा ऑफ द डिस्क होगा 1/4 इंटू 2m² यानी कि 1/2 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा. अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे. इन द फॉलोइंग विच वन ऑफ द डायोड्स इज रिवर्स बायस्ड हो जाएगा. आंसर हमारा बी है. ये हमारा रिवर्स बायस्ड है. पॉजिटिव निगेटिव पोटेंशियल से देखते हैं हम रिवर्स बायस यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं. पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड होता है जब, कब होता है, जब इफ पी टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल एंड देन द एन टर्मिनल देन द एन टर्मिनल ऑफ द डायोड. सो हमारा आंसर हो जाएगा जो है वो बी सेटिस्फाई करता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे. इन द सर्किट शोन इन द फिगर द बेस करंट आई बी इज 10 μA एंड द कलेक्टर करंट इज 5.2 mA. द वोल्टेज वी बी ई अक्रॉस द बेस एंड इमीटर क्या होगा. ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है. सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का, तो हमारा आंसर जो है हमारा बी आ जाएगा 0.5 volt. एक्सप्रेशन देख लेते हैं. वी बी का जो फॉर्मूला होता है वो वी सी सी माइनस आई बी आर बी होता है. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा वी बी जो है 0.5 volt आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज विद टेम्परेचर टी एच. आंसर हमारा डी हो जाएगा. टी टू द पावर 0 पे वेरी करता है. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. सो टी टू पावर 0 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं. 1 kg ऑफ वाटर एट 20°C इज हीटेड इन इलेक्ट्रिक केटली होज हीटिंग एलिमेंट हैज़ अ मीन टेम्परेचर एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm. द RMS वोल्टेज इन द मेंस इज 200 volt. इग्नोरिंग हीट लॉस फ्रॉम द केटली टाइम टेकन फॉर वाटर टू इवेपोरेट फुल्ली इन क्लोज टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है 4200
4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होगा। लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो होगा 2260 किलो जूल पर केजी होगा। एस एम आर सी हो जाएगा 22 मिनट हो जाएगा। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन बोल रहा है गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसके बाद जो लेटेंट हीट ऑफ जो वाटर है वो 2260 किलो जूल पर केजी होगा। उसका क्यू इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल हो जाएगा। अब पी इंटू टी जो है वो अगर क्यू को वैल्यू रखेंगे तो हमारा यहाँ पे इक्वेट करेंगे अगर, तो हमारा यहाँ पे आंसर टी इक्वल टू 1298 सेकेंड यानी कि लगभग 22 मिनट आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अ डबल स्लिट एपरेटस इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। इट हैज स्लिट सेपरेशन ऑफ 1 मिलीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन इज 1.3 मीटर। द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ इज इन एयर इज 6300 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। आंसर हमारा सी हो जाएगा 0.63 मिलीमीटर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, गिवेन म्यू हमारा दिया हुआ 1.33, डी इक्वल टू 1 मिलीमीटर, डी और कैपिटल डी जो है हमारा 1.33 मीटर है, और लैम्डा इक्वल टू 6300 एंगस्ट्रॉम है। द वेव लेंथ ऑफ लाइट इन द गिवन लिक्विड हमारा लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू होगा, 6300 बाय 1.33 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है जो हमारा 4737 × 10⁻¹⁰ हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी हो जाएगा। यहाँ डब्ल्यू हमारा आ जाएगा 6.3 × 10⁻⁴ हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 36 पे। व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन इन द फिगर। इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन द इमर्जिंग रे इन एयर कंटेंट्स क्या होगा। तो हमारा आंसर जो हमारा ए हो जाएगा, येल्लो ऑरेंज और रेड होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्रिटिकल एंगल जो होता है थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेवलेंथ इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कॉचिज फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिक्रीजेज एज द वेवलेंथ इंक्रीजेज। हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज इन द सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर का उल्टा हो गया रॉय जी बी आई वी। द क्रिटिकल एंगल थीटा सी विल दस इंक्रीज इन सेम ऑर्डर बिहेवियर फॉर ग्रीन लाइट। द इंसिडेंस एंगल इज जस्ट इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर येल्लो ऑरेंज एंड रेड। द क्रिटिकल एंगल विल बी ग्रेटर दैन द इंसिडेंस एंगल सो दीज कलर्स विल इमर्ज फ्रॉम द एयर फ्रॉम द ग्लास एयर इंटरफेस। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज येल्लो ऑरेंज और रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, लगभग 13 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। फटाफट देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क ए, यहाँ पे हमारा 8 ही क्वेश्चन बचे हैं, सॉरी देखते हैं फटाफट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क ए इज 2% मोर देन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोर्क। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर फोर्क बी इज 3% लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोर्क। इफ बी इफ 6 beats per second आर हर्ड व्हेन द टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी आर एक्साइटेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज आंसर होगा बी 122.4 हर्ट। देख लेते हैं, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड फोक जो है एक्स मान लिया, एन ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 102/100x, एन बी जो हमारा 97.100x यहाँ पर सेंट क्योंकि दिया हुआ है। नंबर ऑफ द बीट्स पर सेकंड जो हम करेंगे तो एन ए माइनस एन बी हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू अगर इक्वेट करें तो 102/100x - 97/100x इक्वल टू अगर 6 कर देंगे, x इक्वल टू हमारा 6×100/5 इक्वल टू 10 1220 हर्ट्ज इक्वल टू n इक्वल टू 102/100x बराबर 122.4 हर्ट्ज हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अ सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 meter per second एंड इन द एयर इट इज 300 meter per second। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाई एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन एयर आंसर हमारा डी हो जाएगा 600 हर्ट्ज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। हेंस द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 600 हर्ट्ज हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 पे, इफ पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, के द बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट एंड टी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन मास ऑफ द गैस इज गिवन बाय, आंसर बी होगा पी वी बाई के टी हो जाएगा। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, इन अ गिवन मास ऑफ द गैस एम जो इक्वल टू हो जाए पी वी बाई के टी, के जो होता है वो बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। नेम द गेट विच रिप्रेजेंट्स द बुलियन एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू ए डॉट बी फॉर इनपुट्स ए एंड बी, आंसर हो जाएगा ए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एंड गेट होगा। एंड गेट इज द मल्टीप्लायर गेट, इट गिव्स आउटपुट वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन, द आउटपुट इज जीरो इन ऑल अदर केसेज, ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया एंड गेट का। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक एटम हैज इट्स ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज इन ग्राउंड स्टेट, देन आंसर हमारा डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नियरली 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मे इमर्ज फ्रॉम द एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स विद दिस एटम, ओके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी होता है 13.6 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी जो होगा वो 13.6 इंटू 1-1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर देखेंगे तो हमारा 125-122.4 कर देंगे तो हमारा 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, हेंस 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्साइट इट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, इन अ सेट ऑफ ट्रांसफार्मर द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे होगा प्राइमरी इज 220 वोल्ट एंड द करेंट इन 5 एम्पियर, द सेकेंडरी वोल्टेज इज फाउंड टू बी 22,000 वोल्ट, द करेंट इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, नेगलेक्ट लॉस को नेगलेक्ट करना है, आंसर हमारा डी हो जाएगा 0.05 एम्पियर। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, वी सेकेंडरी बाई वी प्राइमरी जो होता है, आई प्राइमरी बाई आई सेकेंडरी होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए यहाँ पे आई जो सेकेंडरी हो जाएगा आई पी इंटू वी वी बाई वी एस हो जाएगा, यहाँ पहले पुट करेंगे तो हमारा 0.05 एम्पीयर आ जाएगा। क्वेश्चन 43 देखते हैं, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी केप्ट इन कूलर सराउंडिंग एंड टाइम इज, एज्यूम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को एज्यूम करना, हमारा आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। एंड एक्सप्रेशन देखते हैं, द हॉट बॉडी इन कूलर सराउंडिंग कुछ एक्सपोनेंशियली कूल करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, अ हीट इंजन इज अ डिवाइस, आंसर हमारा बी विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इंटू वर्क मैकेनिकल एनर्जी कंटिन्यूसली थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फिजिक्स एंड ऑल्सो वीडियो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा, द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शुड बी इन, आंसर होगा ए मिडिल ऑफ इट्स एक्टिव रीजन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शुड बी इन द मिडिल ऑफ इट्स एक्टिव रीजन में होना चाहिए, ओके तो ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट एम्पलीफायर और कॉमन जो इमीटर है वो ठीक है, कॉमन दोनों का है। तो ये हमारा रहा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फुल आंसर और फुल इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन बाय एनटीए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगा तो ऐसे मत जाना प्लीज़, और सब्सक्राइब करना और अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स ऑफ एनटीए पेपर्स एंड अदर्स वीडियो ऑफ नीट अपडेट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।